దాస శ్రీ జీవమి కుతమందమ కీర్తయాంబరా తమాది దేవం కరుణా నిదానం తమాలవర్ణం సృజితావతారం అపార సంసార సముద్ర సేతుం భజామహే భాగవతం స్వరూపం జగ ప్రభజంతమనుపేతమపేతకృత్యం ద్వైపాయన విరహ కాతర ఆజుభావ పుత్రీతి తన్మయతయాతరవోభినేదుం స్తం సర్వభూత హృదయం మునిమాణ త్వస్మి నారాయణం నమస్కృత నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదిరే శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరు భక్త బృంద సభి బార హాత్ ఉఠాకర్ బోలే బోలే హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ రామ హరి హరి బోలే హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరి హరి సర్వప్రథమ మరి గురుపాద పద్మ నితలీలా ప్రభుష్ణం విష్ణు పాద అష్టోదర సప్తశ్రీ శ్రీ శ్రీమద్ భక్తి శ్రీయో సిద్ధాంత గోస్వామి మహారాజ్ చరణ కమలమే అనంత గుడి సాష్టాంగ దండవత్ ప్రణామ పెట్టాము. తత్పశ్చాత్ మరి శిక్షా గురుపాద పద్మ నితలీలా ప్రభుష్ణం విష్ణు పాద అష్టోదర సప్తశ్రీ శ్రీ శ్రీమద్ భక్తి వేదాంత శ్రీల నారాయణ గోస్వామి మహారాజ్ చరణ సరోజమే శ్రద్ధా పుష్పాంజలి అర్పణ కర్తాము. ఉపస్థిత వైష్ణవ వైష్ణవి మాతా పితాయ భాయి బహిన్ సభీ జథా యోగ్య ప్రణామ కర్తాము. గత కాలే హమ్ లోగ్ శ్రవణ కర్ రహే థే శ్రీ పరీక్షిత్ మహారాజ్ కలి కో ఉన్నే చార్ జగహ్ పర్ స్థాన్ దియా. देखा कली युग में अधर्म अधर्म है. कली मतलब क्या है? जहां पर भाई भाई में झगड़ा, बहू बहू में झगड़ा, पड़ोस में झगड़ा, देश देश में झगड़ा, मन मन में झगड़ा, इसको कहते हैं कली. देखा कली युग में दोष ही है, लेकिन कली युग में एक गुण भी है. बोले कली युग में क्या गुण है? बोले कली युग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पा. अगर कोई कली युग में थोड़ी सी केवल ठाकुर जी के नाम जप कर ले उसको मुक्ति मिल जाएगी, संसार से उसको मुक्ति मिल जाएगी. इसलिए श्री परीक्षित महाराज ने कली को उन्होंने जगह दे दिया. कहाँ पर दिया? चार जगह पर दे दिया. मतलब कली युग में केवल चार नियमों का पालन कर लो और थोड़ी सी हरि कीर्तन करो, उससे ही उद्धार हो जाएगी. पहला स्थान है जुआ नहीं खेलनी चाहिए. धर्म का पहला चरण है सत्य. जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते, वो केवल झूठ में झूठ ऊपर में झूठ बोलते हैं. धर्म का पहला चरण उसमें समाप्त हो जाती है. दूसरा है पानम. किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु ग्रहण मत करो. पान बी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा, ये जितने नस्ली वस्तु है ये नस्ली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करनी चाहिए. नस्ली वस्तु लेने से धर्म का दूसरा चरण है कभी ये तपस्या नष्ट हो जाती है. ये बच्चे को गोद में बैठा हुआ, ये जो बच्चा है ना उसको कोई गोद में बैठा. और जो तीसरा स्थान है बोले स्त्रियों. बोले स्त्रियों में कली का निवास कौन सा? स्त्रियों में बोले अवैध रूप में जो स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्रियों का
साथ में मिलते हैं। संसार करो शादी करके, पति पत्नी मिल करके संसार करो, बगैर शादियों में जो मिलना है शास्त्र इसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए यहाँ पर श्री पवित्रता नष्ट हो जाती है। जो चौथा चीज है बोले जीव हिंसा। जीव हिंसा में जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, प्याज लहसुन है, ये सब चीजों को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहते अगर केवल चार चीज को केवल नियम का पालन कर लो और थोड़ी सी ठाकुर जी का नाम करो। एक बार सबके सब हाथ उठा के बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे। और एक बार बोलो सबके सब जोर से, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब उन्होंने कली को ये चार जगह पर स्थान दे दिया तब भी ये कली खुश नहीं, बोले मैं कहाँ घूमूं, कौन जुआ खेल रहा है, कौन मांस खा रहे हैं, कौन शराब पी रहा है, मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं, मेरे को ऐसे एक स्थान दे दो जहां पर सारे चीज मिल जाए। फिर उन्होंने सुवर्ण में पैसा में ये स्थान दे दिया। अब देखना ये जो चार जो कली का स्थान है ज्यादा करके कहां पर होता है, बोले जिसको पास में जितनी ज्यादा पैसा होगा देखना वो उतना ही बिगड़ता हुआ होगा। बताओ ये जुआ कौन खेलेगा, जिसको पास में ज्यादा पैसा होगा हैं, ये शराब खराब उल्टा पुल्टा चीज कौन खाएगा, ज्यादा पैसा जिसको पास में होगा। अभी बेस्या घर में कौन जाएगा, जिसको पास में ज्यादा पैसा होगा। ये मांस 400-500 रुपया देकर कौन खाएगा, जिसको पास में ज्यादा पैसा होगा। इसलिए उन्होंने कली को उन्होंने ये पैसा में स्थान दे दिया। लेकिन जिसको पास में है ज्यादा पैसा, लेकिन अगर कोई गंदी काम में नहीं लगा रहा है, समझना ठाकुर जी की उसको ऊपर में बहुत बहुत ही कृपा है, जो ये गलत काम में नहीं जाता है। एक दिन श्री परीक्षित महाराज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए। आज उनको इतने जोर से प्यास लग रही थी, कभी जिंदगी में इतने जोर से प्यास नहीं लगी। वो पानी ढूंढते ढूंढते एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वो ऋषि भजन में बैठे हुए थे, उन्होंने उनको पानी मांगे लेकिन वो सुने ही नहीं। क्यों भजन में बैठे हुए थे, बोले मैं देश का राजा हूं और आश्रम में थोड़ा पानी पीने के लिए आया तो मेरे को थोड़ा पानी तक भी नहीं ला पाए। वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उन्होंने उनको गले में ये मरा हुआ सर्प को डाल दिए। अभी उनका बेटा था श्रृंगी ऋषि, उसको किसी बच्चे ने जाकर के बोल दिया, बोले तू तो यहाँ खेल रहे हो और श्री परीक्षित महाराज तेरे पिताजी के आश्रम पर आए थे और उन्होंने पानी मांगा, पानी नहीं था तो उन्होंने उनकी गले में मरे हुए सर्प को डाल करके चले गए। इतने में उसको बड़ा क्रोध आया, उन्होंने कौशिक नदी की पानी को उठाया और उन्होंने मंत्र पूत करके बोले जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प को डाला मैं अभिशाप देता हूँ, सप्तम दिवस में उनको तक्षक दंशन करेगा। और आकर के पिताजी के पास में रोने लग गया, पिताजी की आंख खुल गई, बोले क्या बात है, बोले ऐसे ऐसे बात है परीक्षित महाराज हमारे आश्रम में आए, आपको पानी आप नहीं दिया तो गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया उसने। बोले फिर क्या, मैंने उनको अभिशाप दे दिया, सप्तम दिवस में उनको तक्षक दंशन करेगा। इतने में श्रमिक ऋषि को तो बड़ा क्रोध आया, बोले तेरे को पता है ये परीक्षित महाराज कौन है, कहते ये देश का राजा है और बहुत बड़े ये कृष्ण भक्त हैं,
हमारे अहोभाग्य था जो ये राजा हमारी आश्रम में आए, पानी तो दिया ही नहीं और तुमने उनको अभिशाप भी दे डाला। मैं भी ब्राह्मण समाज को अभिशाप देता हूँ, आज से उनको जो बात शक्ति सारे नष्ट हो जाए। पहले ब्राह्मण लोग जो बोलते थे वही हो जाते, लेकिन जब उन्होंने श्रमिक ऋषि ने अभिशाप दिया ना, ब्राह्मण का जो बाघ शक्ति पूरा नष्ट हो गई। बोले इसको अपव्यवहार कर रहे हो तुम लोग। बोले कम से कम श्री परीक्षित महाराज को पता चले इनको पास में केवल शादी देनी है, एक ब्राह्मण बालक को भेजे गौरव। बोले तुम जाकर के परीक्षित महाराज को ये सूचित कर दो। लेकिन परीक्षित महाराज सुन करके दुखी नहीं हुए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने बाद में सोचा मैं अर्जुन का वंशधर हूं, हमारी वंश में सबके सब साधुओं को सम्मान दिया है, अभी तक किसी ने उनको असम्मान नहीं की, लेकिन मैं एक कुलाकार कैसे जन्म ले लिया। केवल पानी मांगने गया तो पानी नहीं दिया, तो गले में मरा हुआ मैंने सर्प कैसे डाल दिया, संतों को मैंने असम्मान कैसे की, इसका कुछ प्रायश्चित होनी चाहिए। अगर हम कोई पाप करते हैं, अगर ये पाप का प्रायश्चित हो जाए ना, समझो तुम्हारे पाप खत्म हो गए। अगर प्रायश्चित नहीं हुआ फिर तो तुमको जन्म जन्मांतर तक उसको भुगतना ही पड़ेगा। इतने में ब्राह्मण बालक जब खबर दिया, परीक्षित महाराज बोले बहुत अच्छा हुआ, मेरे दंड मिलना चाहिए था, लेकिन मेरे अहोभाग्य है, अब देखना मरने से एक मिनट पहले किसको पता नहीं चलता मैं मरने वाला हूँ, लेकिन देखो ठाकुर जी की मेरे ऊपर में कितने कृपा है। सात सात दिन पहले ठाकुर जी हमें सूचित कर दिया तेरे पास में शादी देनी है, लेकिन ये सात दिन के अंदर में मैं मरने वाला नहीं हूँ, सात दिन में कभी मैं नहीं मरूंगा। इसलिए उन्होंने अपना बेटे को राज सिंहासन पर स्थापन करके उन्होंने प्रायः व्यसन किया है। कहां पर? बोले गंगा किनारा में। बोले गंगा कौन है? बोले ये ठाकुर जी की चरणा मृत है। मानो ठाकुर जी की चरणा को उन्होंने आश्रय ग्रहण किया। पहले टेलीफोन नहीं होता था, टेलीग्राफ नहीं होता था, लेकिन ऋषियों के पास में दिव्य ज्ञान हुआ करता था। वहां पर 88,000 ऋषि लोग ये सब के सब वहां पर एकत्रित हुए। इसलिए परीक्षित महाराज सोच रहे हैं ये मेरे लिए अभिशाप नहीं, ये मेरे लिए ये वरदान है, क्योंकि जीवन में एक साधु दर्शन बड़ा प्रेमी। लेकिन यहाँ देखो 88,000 ऋषियों का समागम है, मेरे ऊपर में तो ठाकुर का विशेष कृपा है। तो उन्होंने ऋषि समाज को प्रश्न करते हैं, बोले हे ऋषि समाजो कृपा करके बताओ, बोले अद्य वा अब दशतांते वा मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुव, बोले आज हो नहीं तो 100 साल के बाद में हो, सबको एक दिन मरना ही है, क्योंकि ये मरते जगत है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो बरसों, एक दिन सबको जाना संसार से, इसलिए जीव का कर्तव्य किया है। जब उन्होंने ये बात पूछे वहां पर नासो मुनिर जस्य मतम न भिन्न, ऐसे कोई मुनि नहीं थे जिसका मत ही अलग नहीं था। बोले अभिशाप मिला है ना, एक काम करना, सिद्धिदाता गणेश है, विघ्न विनाश में गणेश है, गणेश की पूजा करो। हैं? किसने कहा गणेश क्यों, उसको मैया क्या कहीं चली गई, नव दुर्गा की व्रत रखो ना। बोले इसको पास में साथी दी, वो तो नव दुर्गा की व्रत न दी। किसने बोला भैया मृत्युंजय पाठ क्यों नहीं करते हो, उसको जब करने से मृत्यु से जी ऊपर चले जाता है। बोले वो तो 49 दिन है अभी उनका अंदर में ना सब शास्त्रार्थ होने लग गया, अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी परीक्षित महाराज ने देखा मेरे पास में कुल 7 दिन है, लेकिन ये तो आपस आपस में ये तो तर्क वितर्क करने लग गए। बोले का वर्षा जब कृषि सुखाई, वो वर्षा का क्या महत्व है, जब कृषि सूख जाए वो बारिश का क्या महत्व है।
इसलिए उन्होंने श्री ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गए। बोले हे ठाकुर जी, मातृगर्भ में आप ही मुझे दर्शन दे करके प्राण रक्षा की थी। मेरा ये अंतिम समय है, मेरे मन में एक इच्छा है, तुम्हारी कथा सुनते सुनते ये जीवन मेरी बीत जाए, आप कृपा करके कुछ व्यवस्था करो। जब उन्हें शरणागत हो गया, फिर श्री भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं। बस श्री सुखदेव महाराज की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर कोई अंतर आत्मा से, हृदय से आप भगवान को पुकारो, भगवान जरूर आवाज देते हैं, ठाकुर जरूर दर्शन देते हैं। उन्होंने हृदय से ठाकुर जी को बुलाया तो ठाकुर जी मानो श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में भगवान स्वयं मानो आए। 16 वर्ष के कृष्ण जैसे देखने में, कभी कृष्ण प्रेम में नाच रहे थे, कभी हंस रहे थे, कभी नृत्य कर रहे थे, लेकिन बालकों को लग रहा था तो कोई पागल होगा। बालक लोग उनको ऊपर में धूल झोंक रहे थे, और जो स्त्रियां थी वो इतने देखने में सुंदर थी, स्त्रियां तो सोच रहे थे हाय रे, इतने सुंदर जैसे मानो क्या पागल हो गया क्या। ऐसे करते करते सुखदेव गोस्वामी जब 88,000 ऋषि समाज बैठे हुए थे, जब उन्होंने उनको बीच में प्रवेश किया ना, इनको देख करके, क्योंकि वो लोग ऋषि थे, बड़े बड़े साधु लोग थे, उनको पता था जिसको हृदय में कृष्ण प्रेम हो उनको शरीर में क्या क्या लक्षण है उनको पता था, इसलिए उनकी लक्षण को देख करके वो सबके सब समझ गए, और श्री सुखदेव को समझ गए यही सही सही प्रश्न का उत्तर यही देगा। इसलिए वहां पर उनको पिताजी की पिताजी बैठे हुए थे, उन्होंने सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए उन्होंने व्यास गद्दी पर बैठ गए। इतने में श्री परीक्षित महाराज ने प्रश्न की झड़ी लगा दी। बोले अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनांग परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्य म्रियमाणस्य सर्वथा। हे ऋषि, हे श्री सुखदेव गोस्वामी, आप कृपा करके बताइए, जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव को ऐसे लगे आज मैं तृप्त हो गया, अभी किसी चीज की मेरी कमी नहीं रह गई। लेकिन आप इसी जगत में देना, भले ही जितने मिल जाए, जितना पैसा एक फैक्ट्री हो गया, सोचता है दूसरे फैक्ट्री कब लगाए, एक मकान हो गया, सोचता है दूसरा मकान के बनाए हैं। इसलिए कहते राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब दुख भारी। इसी जगत में कोई भी तृप्त नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं ना भैया कमाई करो, क्या करो, कमाई करो। कमाई मतलब क्या, कम आई, ज्यादा आनी चाहिए। इसलिए इनका पहला प्रश्न है, ऐसे क्या वस्तु है जिसको पा करके जीव तृप्त हो जाता है, उनको लगता है जीवन में सब कुछ मिल गया। और दूसरी प्रश्न है, ये प्राणी मात्र का क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, आप कृपा करके हमें जो पूछा और जो नहीं पूछा ये सारे प्रश्न का हमें उत्तर दो। इसलिए उन्होंने ये प्रश्न को सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए। बोले परीक्षित, तुमने जो प्रश्न की ना, बहुत अच्छा प्रश्न तुमने की है। बोले बरिया ने सते प्रश्न कृतलोक हृतम नृपम। बोले तुमने जो प्रश्न की है, कहते बहुत सुंदर तुमने प्रश्न की, इतने बढ़िया प्रश्न की, जिस प्रश्न का सराहना
बड़े बड़े ऋषि और आत्मा में जो रमण करने वाले जोगी लोग भी इसको प्रशंसा करेंगे, तो उन्होंने इसका उत्तर देते हैं, बोले देखो श्री परिकी, ये जो मानव शरीर भगवान हमें दिया है, ये मानव शरीर साधारण जन्म नहीं है, जिसको भगवान राम कहते हैं, बोले बड़े भाग मानो सतन पावा, परिकीत जो मानव शरीर है ये 84 लाख जन्म के बाद में ठाकुर जी हमें एक बार ये जन्म देते हैं, ये जन्म जन्म में नहीं मिलता ये मानव शरीर। भगवान राम कहते हैं देत इस बिनु हेतु सनेही, अगर कोई सोचे नहीं पूर्व जन्म में हमने बहुत पुण्य की ना, इसलिए भगवान ने हमें मानव शरीर दिया, बोले नहीं, बोले तुम्हारी कोई पुण्य से तुमको नहीं मिली, तेरे को कोई पुण्य नहीं मिली है, क्योंकि जगत में इतने जीव है, शास्त्र कहता है जैसे आप धूल कण को नहीं गिन सकते है ना, जीव को ऐसे नहीं गिन सकते हो, इतने जीव है, आप एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी को अंदर में इतने बैक्टीरिया है, ये पृथ्वी में इतने इंसान तक भी नहीं होंगे, उसी हिसाब से इंसान कितना कुछ भी नहीं है, है? ये जीवन भरे भाग्य से ही हमें ठाकुर जी ये मानव शरीर दिया है, लेकिन ये जीवन पा करके लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बोले केवल चार ही काम करके ये जीवन को हम गमा देते हैं, बोले चार ही काम क्या करते हैं, बोले दिन में 2 काम करते हैं और रात को हम 2 काम करते हैं, बोले दिन में 2 काम किया, बोले पैसा कमाओ और पैसा के द्वारा परिवार को मेंटेनेंस करो, बोले रात को विश्राम करो और विषय भोग करो, संतान को जन्म दो, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परिकीत ये जीव तो हर जन्म में ये करते करते आ रहा है, ऐसे कौन सा पशु पक्षी नहीं जो बच्चे जन्म नहीं देते हैं और बच्चों को पालन नहीं करते हैं, हैं? सारे पशु पक्षी हैं, एक मछली को देखो एक साथ में 1000 अंडा देता है, एक मुर्गा को देखो एक साथ में 21 अंडा देता है और उसका 21 बच्चा एक साथ में होता है और एक महीना में उनको बढ़ा करके छोड़ देता है, और हमें एक बच्चे को साल में तो एक ही बच्चे दे सकते हैं, फिर उसको लालन पालन करने के लिए 20-25 साल लग जाता है, अगर कोई बच्चा अगर निकम्मा हो जाए जिंदगी भर के लिए समय बोझ बन करके मरने का पहले तक भी छोड़ता नहीं, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परिकीत खाना पीना संसार करना ये हर जीवन में जीव करते हैं, लेकिन प्रभु का जो भक्ति है ये मानव शरीर को सिवाए प्रभु की भक्ति कोई नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये मानव शरीर नहीं, कहते हैं मानव शरीर क्या है, बोले साधन था मोक्ष कार्य द्वारा, सवारा आए नजरे बहर दो
भले ये मानव शरीर नहीं, ये क्या है? कहती है मुक्ति की दरवाजा पर खड़े हुए हैं, मुक्ति की दरवाजा में हम खड़े हुए। एक उदाहरण देकर समझाए। हाँ देखो, ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय को एक अंधा था, वो डंडा टिकते टिकते जा रहा था। एक बहुत बड़े महल बनी हुई थी, जिस महल में 84 लाख जिसमें दरवाजा, लेकिन उसमें सारे दरवाजा बंद है, लेकिन एक ही दरवाजा उसमें खुला हुआ। ये अंधा दिखता तो है नहीं, वो भूल से कैसे वो खुला हुआ दरवाजा में अंदर में चला गया। अब तो दिखता नहीं, अभी कोशिश करता है निकलने के लिए, अभी हाथ लगाता है। कितना दरवाजा था, कितना दरवाजा था? 84 लाख, और सारे दरवाजा बंद है। हाथ लगाता है बंद, हाथ लगाता है बंद, हाथ लगाता है बंद, और 84 लाख दरवाजा ऐसे बंद बंद करते 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 पता नहीं कितने सालों में अभी ये खुला हुआ दरवाजा में पहुंच गया। जब पहुंच गया उसने सोचा, हमें तो सारे दरवाजा बंद पड़ा हुआ मिला, और ये दरवाजा थोड़ी खुला हुआ होगा। और वहीं पर आकर ना उसने थोड़ी सी खुजला शुरू कर दिया, और खुजलाते खुजलाते जो खुला हुआ दरवाजा पार हो गया। फिर वह हाथ लगाया, कौन सा दरवाजा आएगा बताओ, कौन सा दरवाजा आएगा? वो बंद पड़ा हुआ दरवाजा आएगा। इसका मतलब है वो अंधा कौन है? हम सब है। हम भगवान को भूल करके अनादि काल से संसार में भटक रहे हैं। 84 लाख योनि में हम भटक रहे हैं, लेकिन सारे जन्म का दरवाजा बंद है। सारे जन्म का, जो पशु पक्षी कीड़े मकड़े बने, बंद मतलब क्या? किसी जीवन में भी जीव प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता, प्रभु का नाम नहीं कर सकता है, इसलिए ये सारे दरवाजा बंद पड़ा। लेकिन ऐसे भ्रमण करते 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 अभी हम लोग ने खुला हुआ दरवाजा में आए। बोले ये खुला हुआ दरवाजा क्या है? कहती ये मानव शरीर, कहती ये खुला हुआ दरवाजा ये मानव शरीर। लेकिन जब ये मानव शरीर ठाकुर हमें दिया, हमने क्या किया? इतने में खुजलाना शुरू कर दिया। जानते हो खुजलाना क्या है? खुजलाना ये है, ये पशु पक्षी जानवर जीवन में जो करते करते आए ना, इसी जीवन में वही काम करना शुरू कर दिया। वही काम, बच्चों को जन्म देना, लिखाया पढ़ाई करना, शादी शुदा कर लेना, और उनको शादी विवाह करके छोड़ देना। बोलते भैया तुम तो इसको पहले यही सारे काम करते करते आया तुम्हें, अगर इसी जीवन में फिर अगर उसी काम में तो लग पड़ा, फिर तो मानव जन्म खत्म, मानव शरीर खत्म हो गया पूरा का पूरा। फिर क्या हुआ? फिर वही बंद हुआ दरवाजा आएगा, मतलब वही 84 लाख जन्म में हमें फिर भटकना पड़ेगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, ये मानव शरीर पा करके जो प्रभु की मुक्ति के मार्ग पर चले जाते हैं, प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं, फिर जगत में उसको दोबारा आना नहीं पड़ता है, फिर जीवन में परम शांति और परम सुख उसको प्राप्त होता है। इसलिए बोले तस्मात सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कृतितव्यस्य स्मर्तव्य इच्छता भयम्। अगर जीवन में कोई अभय पाना चाहते हैं, बोले तीन काम करो। बोले तीन काम क्या है? बोले भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, और भगवान का स्मरण करो। ये तीन काम करो। लेकिन ये तीनों काम में विशेष करके कलयुग में जो सबसे सरल उपाय है, भगवान का कीर्तन है। भगवान का कीर्तन से ही सारे भक्ति का अंगजाजन प्रभु का कीर्तन में ही हो जाती है। इसलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कलिजोग के बलना आधारा, कलिजोग के बलना आधारा, कलिजोग के बलना आधारा, कलिजोग के बलना उतर ही पारा, सुमेर
साथ भी नहीं है ना। एक राजा हुए जिनका नाम था खट्टांग राजा, उन्होंने तो एक मुहूर्त ठाकुर मिल गए। एक मुहूर्त मतलब है 48 मिनट में उन्होंने ठाकुर को पा लिया। बोले एक समय देवता दैत्य में युद्ध हुई और देवताओं ने खट्टांग महाराज का अपना सेनापति पद नियुक्त की और इनकी सहारा लेकर के उन्होंने दैत्य को परास्त कर दिया। अभी 33 करोड़ देवता खुश हो गए। बोले बताओ तेरे को क्या चाहिए। बोले ये बताओ मैं अभी कितना दिन जिंदा रहूंगा, पहले ये बताओ। बोले तेरे पास में कुल 48 मिनट है। बोले एक काम कर सकते हो, देखो ध्यान देख रहे सुनो, हम जो 33 करोड़ देवता को पूजा करते हैं ना, वो क्या कर सकते इसमें बताया। उन्होंने 33 करोड़ देवता को संतुष्ट कर दी। बोले एक काम कर सकते हो। बोले बताओ। बोले मेरी परमाई को थोड़ी बढ़ा सकते हो। बोले हम नहीं कर सकते। बोले मुझे मुक्ति दे सकते हो। बोले मुक्ति भी नहीं दे सकते। बोले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपसे वरदान लूंगा ना, वरदान लेकर तो कुछ भोग करूंगा। अगर मैं 48 मिनट ही जिंदा रहूं, अगर तुम लोग मेरे परमायु नहीं बढ़ा सकते, फिर कर सकते हो क्या तुम? फिर अगर ये भी नहीं कर सकते, मुक्ति भी नहीं दे सकते हो, तब उन्होंने पूछा फिर तुम लोग क्या कर सकते हो, बताओ मेरे को क्या करनी चाहिए। ये दो काम कौन कर सकते हैं? बोले केवल भगवान हरि कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद नाम क्यों? बोले मुक्तिम जदात ज सैव मुकुंद। जीव को जो मुक्ति दे सकते हैं, जीव को मुक्ति दे सकते हैं, इसलिए उनका नाम है श्री मुकुंद है। इसलिए जीवन रहते रहते ना भक्ति भगवान कृष्ण की करनी चाहिए है? भगवान कृष्ण को भक्ति करनी चाहिए और अंतिम समय ना
जो इधर उधर देवादेवी को पूजा करते वो कोई काम में नहीं आएगा। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति है, जब शरीर छूटता है क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, बोलते ना राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल करते है, सब कोई बात झूठा बोलते ना, सब कोई बात झूठा है। क्यों क्यों सत्य सब झूठा, केवल कृष्ण राम सत्य है, क्योंकि यही जगत का मालिक है। इसलिए उन्होंने थोड़ी सी परमाई भी बढ़ा नहीं सके, उनको मुक्ति भी नहीं दे सके। बोले एक काम कर सकता हूँ, बोले बताओ, बोले मेरे को ऐसे एक विमान दो है जैसे मैं जल्दी से जल्दी ये मरते जगत में चला जाऊंगा। उन्होंने एक विमान में स्वर्ग लोगों से एकदम जल्दी से जल्दी उन्होंने इसी मरते जगत में आ गई, और आ करके उन्होंने एक मुहूर्त में एक स्थान पर बैठ गए। संपूर्ण मन को उन्होंने विषय से हटा करके केवल उन्होंने कृष्ण चरण में लगा दिया। कृष्ण चरण में लगाया तो उन्होंने एक मुहूर्त में ही भगवान को प्राप्त कर लिया, एक मुहूर्त में। अगर हम भी ना, अगर ये मन को केवल श्री, जैसे मीरा कहती है ना, मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई, अगर हम ये मन को ठाकुर जी के चरण में लगा दे, बस हमारी हमारी कल्याण हो जाएगी। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित जब तुम्हें ये पता चले अभी मृत्यु हमारा पास में है, तुम किसी संतों का शरण में तुम चले जाओ, नहीं तो किसी तीर्थ स्थान में चले जाओ, क्योंकि कभी कभी घर में रह करके ये मन को लगाना बड़ा कठिन है। संसार में स्त्री पुत्र परिवार नाती पोती, आप देखना अभी चाहने पर भी आगे चले ऐसे, फिर आप चाहने पर भी देखना ये मन को ठाकुर जी के चरण में लगाना बड़ा कठिन है। चाहने पर भी मन को नहीं लगा सकते, क्यों, चारों तरफ में माया माया है। इसलिए तुम चले जाओ किसी तीर्थ स्थान में, जा करके क्या करो, कोशिश करो धीरे 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 ये मन को धीरे धीरे ठाकुर जी के चरण में लगाने के लिए। पहले अपना इंद्रियों को जय करो, फिर अपना मन को जय करो, हैं? फिर एक स्थान पर बैठने के लिए कोशिश करो, हैं? इसलिए धीरे 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 कहते भगवान की दो स्वरूप है, एक स्थूल रूप और एक सूक्ष्म रूप है। बोले स्थूल रूप क्या है, बोले जो विराट शरीर है, मन बहुत चले है, इसलिए जिस चीज में तुम्हारी आंख पड़े ना, जैसे किसी नदी को देखो समझो भगवान की नजर है, अगर किसी चंद्रमा सूर्य को देखो समझो ये ठाकुर की दो आंख है, जितने वृक्षों को देखो क्या समझो ये ठाकुर जी की रोमावली है, हैं? इसलिए सिया राम मय सब जानी, जहां देखो जैसे स्फूर्ति हो, ये दुनिया भगवान की विराट रूप है। फिर ये मन को धीरे 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 कंट्रोल करो, पहले ठाकुर जी के चरण में लगाओ, हैं? ठाकुर जी की चरण में लगाओ, फिर उनकी बख्य स्थल में, फिर कैसे ठाकुर जी मीठी मीठी बंसुरी बजा रहे हैं, ठाकुर जी कैसे त्रिभंग ललित रूप में खड़े हुए हैं, ये मन को धीरे 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 ठाकुर जी की चरण में लगा दो। फिर वो प्रश्न करते हैं, हैं? बोले ये तो मन बड़ा चंचल है, ये तो मना मन बड़ा चंचल है, कहते इसको अभ्यास योग्य न करते हो, धीरे 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 अभ्यास करो, जैसे ये मन धीरे धीरे ठाकुर जी की चरण में ये मन लग जाए। जब उन्होंने भजन की बात कर रहे थे ना, इतने में उन्होंने ये बताए, बोले देखो आप तो कह रहे हो भजन की बात, लेकिन आप तो भोजन की बात नहीं कर रहे हो, आप तो भोजन की बात नहीं कर रहे हो। बोले भैया चिंता क्यों करते हो, कितना दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ है, इसलिए दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ है। देखो एक समय एक सुंदर एक कथा सुनो, ध्यान दे रही हूँ, एक समय एक व्यक्ति नास्तिक और एक आस्तिक था, जो भगवान को मानता था उसने, जो नास्तिक था जो भगवान को नहीं मानता था, बोला देखो दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ है, लेकिन जो नास्तिक था बोले मैं खाना नहीं खाऊंगा तुम्हारे मुंह में को खिला देगा, बोले देखो अगर तुम्हारी भाग्य में लिखा हुआ है वो फिर कहीं नहीं जाएगा, तुमको जरूर तुमको मिलेगा। उसने किया कि उसको साथ में लड़ाई करके, बोले मैं देखता हूँ मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ जाऊंगा, क्या मेरे मुंह में
क्या कीर्तन करा रहे थे कि काली अमर दद दद सस कन दद ते नन दद दद सन नन काली अमर दद दद सस कन दद ते नन दद दद सन नन अब पंडित जी कीर्तन करा रहे थे तो पुराने जमाने में जो माता जी है उन लोग पति का नाम नहीं लेते थे लेते थे क्या नहीं लेते थे तो पुराने जमाने में माता जी साथ में बैठ रही थी वो नहीं ले रहे थे नाम उनके पति का नाम था देवदी नंदन नंदन और पंडित जी कीर्तन करा रहे थे काली अमर दद दद सस सिंह नन नन ते नन नन दद दद सस नन काली अमर दद दद सस सिंह नन नन ते नन नन दद दद सस नन अब पंडित जी ने खटकरा लगा लिया माता जी को माता जी ताल बिगड़ गई तो माता जी जो है गुस्सा उतर चली गई घर और घर में उनकी दो बेटियां थी एक का नाम है चंपा और एक का नाम है पुष्पा। अब माता जी घर घर आगे रिहर्सल करने लगी कि पंडित जी ने खटकरा लगा दिया इसलिए मुझे रिहर्सल करना है घर घर कैसे कैसे कीर्तन करना है तो वो माता जी घर पे रिहर्सल कर रही है जैसे जैसे उनके घर के दो बेटी थी एक का नाम है चंपा एक का नाम है पुष्पा तो माता जी रिहर्सल कर रही है कैसे काली अमर दद दद सस कन दद चंपा पपा अब सस काली अमर दद दद सस कन दद पुष्पा के पापा अब सस तो इस प्रकार के नाम ये लेकर के माता जी आई सबसे पहले बैठ गई आप पंडित जी कीर्तन करा रहे हैं काली अमर दद दद सस कन दद अब ताल भी नहीं गई और माता जी क्या गा रहे थे काली अमर दद दद गंग सस कन दद दद छम छम पा 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 रब सजन उस पा 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 रब सजन तो ये है किसी के पति का नाम भगवान के नाम से है अगर नहीं दे पा रही है तो इस प्रकार संकेत में दे सकते हैं जैसे अजामिल ने किया था इस प्रकार का दे सकते हैं साक्षात्तम कार्यम स्तोभम एवं तो इस प्रकार का संकेत के भी हो परिहार भी हो भगवान का नाम कल्याण करता है छोटा से छोटा पाप बड़े से बड़ा पाप भगवान के नाम में कट जाता है इसलिए सभी लोग ताली बजाकर बोलेंगे हरे हरे कृष्ण थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ आगे आ जाओ और थोड़ा आगे आज भीड़ आ जाए थोड़ी थोड़ी आगे आ जाए और थोड़ा आगे आ जाओ और थोड़ा आ जाओ और थोड़ा आ जाओ कोई खिसक नहीं रहेंगे आगे आगे चलो रे मन से दान धार ले रे नाम ले तुझे बिहारी छोड़ रे कान दानो ले तुझे बिहारी और के कामर सारी रे मन से दान धार चलो रे मन से
Ha ha ha.
बोलते हैं, वृंदावन जाता लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राधे राधे। तो आज का वृंदावन बनना है, मुझे बार बार नहीं आगे जन्म हो बना, तो आप लोग वृंदावन बनाना चाहिए, कौन चाहिए, सभी लोग चाहिए, लेकिन नाच के लिए कोई तैयार नहीं है। श्री राधे सभी लोग एक बार हाथ उठाएंगे, अरे हाथ उठाए बोले क्या बोलना है आपको, राधे राधे बोलना है, और वृंदावन में बंबर भी राधे राधे, और रिक्शा वाला भी राधे, और भी राधे राधे, सब राधे राधे, सभी लोग एक बार हाथ उठाएंगे, हाथ उठाए बोले आपको क्या बोलना है, राधे राधे क्या बोलेंगे, वृंदावन में ब्रह्मा जी जन्म हुए, उन्होंने चरित्र में पानी पानी देखा, अभी उन्होंने देखा हमारी सृष्टि लाख करोड़ों साल तक उन्होंने कमल नाड़ में घूमते रहे, लेकिन उनको पता ही नहीं पड़ा। फिर ऊपर में आए तो व्यंजन वर्ण का 16वां और 21वां वर्ण सुना, और मतलब तुम तपस्या करो। ब्रह्मा जी जब तपस्या की बोले ज्ञानम में परम गुह्यम जब विज्ञान समन्वितम, भगवान ब्रह्मा जी को अपना बंसी ध्वनि के द्वारा उन्होंने ये गोपाल मंत्र उन्होंने प्रदान किए, और ये गोपाल मंत्र से ब्रह्मा जी ये दुनिया सृष्टि को उन्होंने रचना की। उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने भी चतुष्सन को उन्होंने सृष्टि की, ब्रह्मा की चार मानस पुत्र बोले बच्चों भगवान का आदेश है ये सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ। बोले पिताजी हम इसी संसार में फंसना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, सृष्टि का पहले तुम हो, ठाकुर जी का आदेश सृष्टि का क्रम बढ़ाओ मना करते हो। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ललाट से श्री रुद्र देव प्रकट हुए। शंकर जी को बोले लेकिन शंकर तो जोगी जोगी महाजोगी सत्यम शिवम सुंदर, आप बिना शंकर जी को हर समय ध्यान में बैठे हुए थे, शंकर जी को हर समय प्रभु की भक्ति में ये बसी रहते हैं, उनको भी इच्छा नहीं ये संसार में प्रवेश करना। ब्रह्मा शंकर जी देखा अगर पिता को डायरेक्ट
कार्यक्रम में मना करता हूँ, ब्रह्मा जी को पर जैसे क्रोधी मेरे पर में भी क्रोधी तो होएंगे, ऐसे काम करो वो अपने आप मना कर दे। उन्होंने भूत पिशाचों को सृष्टि करना प्रारंभ की, बोले ये कोई सृष्टि है, बंद कोई सृष्टि को, बोले बढ़िया हो गया। फिर ब्रह्मा जी अपना परछाई से कर्मसी को सृष्टि की, फिर 10 संतान को, फिर उन्होंने अपना बाम और दाहिनी अंग से मनु और सत्वरूपा को सृष्टि की, फिर उन्होंने 5 संतान उन्होंने जन्म दी, उत्थानपाद, प्रियव्रत, आकुति, देहूति और प्रसूति। यहीं से ही धीरे 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 सृष्टि हमारी प्रारंभ हुई। हम लोग मनु महाराज से हुए इसलिए हमको मानव कहलाते हैं। हमको क्या कहते हैं, हम मानव, क्यों? हम श्री मनु महाराज से सृष्टि हुई। लेकिन देखो अभी का जो साइंस है वो कहता है पहले हम बंदर थे, और ये बंदर का पूछ कटते 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 जब खत्म हो गया ना, फिर हम इंसान हो। अभी का ये साइंस ये कहता है, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है हम बंदर से नहीं हुए, हम भगवान से हुए, हम श्री ठाकुर जी से हुए हैं। आप भगवद गीता को पढ़ो, कृष्ण खुद कहते हैं ममहि वांस जीव लोके जीव भूत सनातन। कभी ये जगत में जितने जीव है, कृष्ण कहते हैं ये बच्चा छोटी बच्ची किसकी है, ये छोटी लाली किसकी है, इसको अपना गोद में लेकर बैठ गए, अपना गोद में लेकर बैठ गए। इसलिए कृष्ण गीता खुद कहते हैं ये जगत में जितने जीव है सब मेरे बच्चे हैं, ये मेरे औलाद, ये कृष्ण गीता में कहते हैं। आप क्रिश्चियन का ग्रंथ उठाओ, उनका ग्रंथ है बाइबल, ये बाइबल को पढ़ो, वहां पर क्या लिखा हुआ, गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, ये बाइबल कहता है। मतलब भगवान ने अपना जैसे उसने इंसान को बनाया। आप पुराण ग्रंथ उठाओ, ये मुसलमान का ग्रंथ, वहां पुराण ग्रंथ में बताया अल्लाह कहता है, भगवान कहते मैंने अपना जैसे सूरत मैंने ये इंसान को दिया, ये कुरान कहता है। इसलिए जितने सारे आप शास्त्र ग्रंथ को उठा करके देखोगे ना, हर शास्त्र कहता है हम भगवान से ही आए हैं, हम बंदर से नहीं आए हैं। वो डार्विन का थ्योरी है, वो बंदर का पूछ कटते कटते खत्म हो गया और हमने ये इंसान बन गए। अगर बंदर से अगर इंसान बनते ही अभी कितने सारे बंदर घूम रहे हैं, अब कोई बंदर से कोई इंसान हो रहा है कोई, बोले तब भी क्यों, तब क्यों हो गया, अभी क्यों नहीं हो रहा है, इसे हम बंदर से नहीं हुए। इसलिए डार्विन मरने से पहले बोल कर गया, बोले ये सरकार ने को जोर जबरदस्ती किया था, ये चीज तुम प्रूव करके दिखा दो ये बंदर से हुई। बोले क्यों, बोले ये जीवों को नास्तिक बनाना चाह रहा था, ये जीवों को नास्तिक बनाना चाह रहा था ये गवर्नमेंट, इसलिए उनको जोर करके बताया। डार्विन मरने से पहले कहा कभी ये बदर से इंसान कभी बनी नहीं सकती है। एक समय साइंटिस्टों ने केवल बंदर का एक पार्ट को लगाने के लिए चाहा, कहते उसको ब्रेन को उन्होंने ये इंसान में लगाने के लिए चाहा, और उसको ब्रेन लगाया ना, बंदर कैसे छलांग लगाता है, इंसान भी ऐसे छलांग लगाना शुरू कर दिया है। एक उसका एक ब्रेन ही आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। देखो एक बंदर को ले आओ और तुम्हारी चेहरा में मिला, बता बंदर का कौन सा चेहरा तुम्हारे मिले। हमारे पीछे देखो ठाकुर जी है, यहाँ पर कन्हैया है, हमें बांके भी आए। आप देखो भगवान राम का कोई छवि लो, कृष्ण का छवि लो, मिलाओ भगवान के साथ में मिल रहा है कि नहीं। उनका नाक देखो तुम्हारी नाक जैसे, उनका आंख जैसे देखने में हमारी आंख वैसे, ठाकुर जी का 2 हाथ हमारे कितना हाथ है, 2 हाथ है। उनको प्यार देखो हमारे भी ऐसे प्यार, उनका छाती देखो मिलेगा कि नहीं। कोई बंदर के साथ में हमारी चेहरा कोई मिलेगी, बंदर के साथ में हमारी कोई भी चेहरा बंदर से नहीं मिल सकती। इसलिए हम बंदर से नहीं हुए, हम कहाँ से हुए, श्री ठाकुर जी से हम हुए हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्ण, सामने नहीं बैठ जाओ माता जी, सामने बैठ जाओ। इसलिए ये
मनु महाराज से हम हुए हैं, हमको क्या कहते हैं, हम सबके सब श्री मानव है। इसलिए श्री मनु महाराज जी की एक बेटी थी जिसका नाम थी देहूती। यहाँ पर माता देहूती की कथा आती है। ये कर्दम ऋषि ने बड़ी कठोर उन्हें तपस्या की, भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन दिए, बोले बेटा क्या चाहते हो? हरे कृष्ण बात मत करो, चुप बैठो, हरे कृष्ण सामने बैठ जाओ, ही बैठ जाओ सामने। इसलिए श्री कर्दम ऋषि किस तपस्या से भगवान संतुष्ट होकर दर्शन दिए, बोले बेटा क्या चाह रहे हो? बोले प्रभु आपकी चरण में हमारी भक्ति हो। बोले तथा, बोले और क्या चाहते हो? बोले प्रभु मेरे मन में कोई घर गृहस्थ की इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा है ये संसार का क्रम बढ़े, इसलिए आपकी आज्ञा पालन करने के लिए घर गृहस्थ और बालक की मेरी दो शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले पहला शर्त है, अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे ना, फिर मैं शादी करूंगा। आप बताओ मेरे बेटे बनोगे आप? भगवान बोले बेटे बनेंगे। बोले दूसरी शर्त क्या है? बोले तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक मेरे बच्चे नहीं हो जाए, बच्चे हो जाए फिर मैं भजन करने के लिए चला जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, अभी उन्होंने माता देहूती के साथ में कर्दम ऋषि की शादी हो गई। फिर कर्दम ऋषि शादी करके ना फिर तपस्या में बैठ गई और माता देहूती उनकी सेवा करते रहे। 10,000 साल उन्होंने तपस्या की और उन्होंने सेवा करते रहे। जब उनको आंख खुली ना, उन्होंने देखा सामने एक बुढ़िया बैठी हुई, वो भूल भी गए हमने कभी शादी भी किया था, और देखा माता देहूती आकुति और प्रसूति ये जो तीन बेटियां थी इतने सुंदरी थी, जब स्वर्ग से देवता लोग इनकी सुंदरता को देखते थे वो भी बेहोश हो जाते थे, मतलब देखने में इतने ये प्यारी थी। लेकिन उसने अपना पति की सेवा करते 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 एकदम वृद्धा हो गई, एकदम शरीर में जटा जुट, केश में जटा जुट हो गए। देखो हमारे भारतीय संस्कृति हमें स्त्रियों को शिक्षा ये देती है, क्या शिक्षा देती है, अगर पति भजन में बैठा हुआ वो खाना नहीं खा रहे फिर ये पत्नी कैसे खाना खा सकती है? नियम है ऐसे नहीं, स्वयं बनाया पति को खिलाए बगैर, बच्चे को खिलाए बगैर चट कर लिया, नहीं हमारी संस्कृति ये शिक्षा नहीं देती है। पहले बच्चों को खिलाओ, पति को खिलाओ, बाद में और पति हाँ भजन में बैठा हुआ और पत्नी श्रृंगार करते हुए इधर उधर घूम रही है, नहीं ये शिक्षा नहीं दी। पति भजन में बैठा, अब देखे होंगे हमारे भारतीय संस्कृति है, पहले पहले माताएं कोई भी सवेरे श्रृंगार नहीं करती, वो करती थी शाम को। बोले क्यों करती थी? बोले पति तो गए काम के लिए, पति काम में गए वो श्रृंगार करके दिखाएंगे किसको, इसलिए पति शाम गएगा। इसलिए माताएं, मैं भी अपना गांव में देखा माताएं कभी उनको कभी देखा ही नहीं, वो कभी सवेरे श्रृंगार करते हुए कभी मैंने नहीं देखा, वो माताएं अक्सर करके वो शाम को श्रृंगार करती थी। बोले क्यों, कारण क्या? बोले कारण है पति शाम को आएगा, पत्नी श्रृंगार वो दूसरे पुरुष को दिखाने के लिए नहीं करेंगे। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति माताएं ये घूंघट क्यों लगाती है, माताएं क्यों घूंघट लगाती है, कारण क्या? बोले कारण है वो अपना पति को सिवाय और किसी को भी अपना सुंदरता को दिखाना नहीं चाहती है, वो केवल पति ही हमारे श्रृंगार को देखे और कोई नहीं देखे। इसलिए अब सीता जी को देखो, राधा जी को देखो, सावित्री को देखो, अब अभी वृंदावन कभी गए हो? वृंदावन कौन कौन वृंदावन है, अब वहाँ एक इसको मंदिर में जाना, वहां देखना विदेश की जो स्त्रियां है ना, अब देखना विदेश की जो स्त्रियां हैं वो भी अपना घूंघट लगाती है, वो भी अपना घूंघट को वो भी लगाती है। हमारे स्वामी महाराज विदेश में जाकर के सब सीधा दी है, इसलिए कोई गोपियों को देखना सबके सब सर के ऊपर में कपड़ा रखती है। इसलिए तभी तो पहले स्त्रियां सती बन कर रहती थी रसिया में, वहां के लड़कियां रसिया में वो सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, जान क्या लड़ाई कर रहे हैं, हम साड़ी पहन करके हम कॉलेज क्यों नहीं जाए, रसिया में लड़कियां, लेकिन हमारे देश में लड़कियां सरकार से लड़ाई करते हैं हम जीन्स पहन करके क्यों कॉलेज नहीं जाए, मतलब दुनिया कितना बदल, विदेशी लोग तो हमारी संस्कृति ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम विदेशी संस्कृति को लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो लोग नफरत होकर वृंदावन में जाओ देखो, वहां अंग्रेजी मंदिर में है सबके सब चोटी रखी,
चोटी रखे, तिलक लगाए, गले में कंठी, हाथ में माला जप कर रहे। अब देखो सब अंग्रेजी में है, वो लोग हमारी संस्कृति को महत्व तो समझ रहे हैं और वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। गीता, रामायण, भागवत, वो हमारी ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। आश्चर्य की बात है। इसलिए हमें अपना जो संस्कृति है, अपना हिंदू संस्कृति को हमें रक्षा करनी चाहिए। अंग्रेजी संस्कृति समझो, जब तक हमारी संस्कृति रहेगी संसार में हमें शांति सुख में रहेगी है, शांति सुख मिलेगा। जब हम अपना संस्कृति छोड़ करके हम विदेशी संस्कृति को ग्रहण करेंगे, उनका कल्चर, तो शांति सुख नहीं रहेगी। पति पत्नी में लड़ाई, डाइवोर्स, झगड़ा, तरह तरह का दुर्घटना आने लग जाएगी। इसलिए माता श्री कर्दम ऋषि जब आंख खोला, देखा सामने एक डोकरी बैठी हुई, बोले तू कौन हो? बोले अब क्या भूल गए, कभी शादी किया था आपने? कभी याद है कभी शादी की? बोले ओ तू वही देवती। मतलब पति व्रता धर्म जाजन करते करते उसने बूढ़ी एकदम हो गई। बोले क्या इच्छा है तुम्हारी बताओ? बोले आपने क्यों शादी किया था? बोला था ना ठाकुर जी, हम मेरे बेटे बन करके आओगे तब शादी करूंगा। बोले जाओ बेटी जाओ, ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। बिंदु सरोवर में गोता लगाते ही पहले जितने सुंदरी थी ना, उससे और भी सुंदरी बनकर के प्रकट हुई। हजार दास दास यहाँ प्रकट हुई। पहले का जो साइंस है, अभी का साइंस से बहुत एडवांस है। उन्होंने एक विमान प्रकट की जिसका नाम था कामक विमान। वर्णना आई है कितने जोजत वो विमान की, सुंदर जिसमें राजमहल है, सुंदर सरोवर है जिसमें चार तरह का कमल फूल खिला हुआ रहता है, राजहंस इसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, बड़े सुंदर पेड़ पौधा फल फूल से भरा पड़ा हुआ। अगर उसमें कोई बैठेगा ना, वो कभी भूख कभी नहीं लगेगा, उसको प्यासा नहीं लगेगी, वो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होगा। वो विमान में कोई डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं। उसका नाम कामक, कामक मतलब जैसे इच्छा करे, कामना करे, वो ऐसे ही आकाश में उड़ते रहेगा। उन्होंने हजार साल तक भ्रमण करते रहे और उनको बड़ी सुंदरी सुंदरी ना, उनको बड़ी सुंदर सुंदर बेटी जन्म हुई। बोले देवते अभी तो खुश हो गए ना, वृंदा में बेटी हो गई। बोले नहीं, भगवान को क्या बताया था? आप बेटे बन करके आओगे ना, ठाकुर तो बेटी नहीं बने। लड़कियां तो शादी करके अपना अपना ससुर घर चले जाएंगे, अभी मेरे पास में कौन रहेगा? मेरे पास में तो माता देवती कर्दम ऋषि की सेवा की, तो ठाकुर स्वयं श्री कपिल मुनि बन करके आए। बोले कपिल भगवान की। अभी घर में बेटी है, घर में अगर बेटी हो ना, पिता का सबसे पहला कर्तव्य है बेटी को पहले शादी दो, ये सबसे पहला कर्तव्य है। लेकिन घर में कितने बेटियां हैं, कितने बेटियां हैं, कितने बेटियां हैं? 9 बेटियां हैं। अब देखना, जब कभी कभी हम एक बेटी शादी करते ना, घर पूरा खाली हो जाता है एक बेटी की शादी में। अभी 9 बेटियों को शादी करना कम साधारण बात है। लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर आपकी भक्ति करने की इच्छा होगी ना, ये ठाकुर सब कुछ करवा देंगे। नरसिंह भगत का नाम सुने होंगे, ये दिन भर प्रभु का भक्ति करता था। लेकिन घर में एक बेटी है, लेकिन ये तो दिन भर प्रभु का भजन में मस्त है, अभी बेटी को कब शादी देगा? कृष्ण सावरिया से बन करके उनकी बेटी को शादी देने के लिए स्वयं ठाकुर जी गए। इसलिए एक दिन श्री ब्रह्मा जी ये अपना 9 बेटों को लेकर के कर्दम ऋषि के पास में आए। इनकी 9 बेटे और इनकी 9 बेटियां। देखा भैया जोड़ी बड़ी प्यारी है। भैया शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्र शीघ्र कर देनी चाहिए। उन्होंने एक साथ में 9 बेटियों को एक साथ में शादी करा दिया, बस घर खाली हो गया। अभी घर में केवल 3 व्यक्ति रह गए, पिता, माता और बेटा। इतने में से कर्दम ऋषि ने उन्होंने भजन करने के लिए चले गए। यहाँ प्रश्न होता है, बोले भैया भजन तो किसको करने के लिए जा रहे हो? बोले भगवान। बोले भगवान को तेरे घर में बैठे, फिर तो घर भजन करने के लिए जंगल में क्यों जाना जा रहे हो? यहाँ पर बढ़िया शिक्षा दिया है, अच्छी शिक्षा दिया है। बोले जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे ना, प्रभु की भजन नहीं करेंगे, भगवान हमारे सामने आ जाने पर भी
हमारा कोई लाभ नहीं होगा। उदाहरण दिया जैसे रावण, रावण ने राम को भी दर्शन किया, बताओ दर्शन किया कि नहीं? दर्शन किया था उसने, किया क्या? माता सीता को ही उठा कर ले गया। और राम को सास माने ने युद्ध किया है, बैर किया है। मेघनाथ भी दर्शन किया, लक्ष्मण के ऊपर उन्होंने शक्ति शैल की प्रहार की। राम लक्ष्मण को नाग पास बंधन में बांध जानते हैं। इसलिए कंस ने भी कृष्ण को दर्शन की, लेकिन उसने क्या किया? जिंदगी भर कृष्ण को साथ उसने बैरी खाई, जिंदगी भर कृष्ण को मारने के लिए कोशिश की। प्रश्न है फिर इनकी हृदय बदलाने की, क्योंकि हृदय में भक्ति नहीं। अगर भक्ति नहीं होना और भगवान भी यहाँ हमारे सामने आ जाएगा, हमारे कुछ भी होने वाले नहीं। इसलिए यहाँ पर स्वयं भगवान रहते हुए भी भजन करने लिए वो चली गई। अभी घर में केवल दो व्यक्ति, माँ और बेटा। माँ को पता बेटा मेरा भगवान है। एक दिन माँ स्वयं हाथ जोड़ करके बेटे के सामने आती है, बोले बेटा मैं स्त्री चाहती हूँ, मन बड़ा चंचल है बेटा, बताओ मेरी कल्याण कैसे होगी। भगवान अपना माँ को लक्ष्य करके उन्होंने जीव जगत को बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षा दी। बोले माँ ये जो मन है ना, ये मैं है। हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, लेकिन इसका राजा कौन है? ये मन है। मन ने बताया, क्या बोला? आज चलो भागवत कथा हो रही है, चलो भागवत कथा सुन करके आते हैं। क्या हुआ? सारे इंद्रियां उसको साथ सुना रही। अगर मन बोलता अरे कथा होने दो ना, चलो कहीं घूमने जाते हैं, सिनेमा जाएंगे, कहीं गोलगप्पे खाएंगे, अरे टीवी खोल कर बैठ जाएंगे, कथा सुनकर क्या होगा? अरे इंद्रियां क्या करती है? वहीं पर करी। इसलिए बोले माँ जैसे ये मन ये बंधन का भी कारण बनता है और ये मन मुक्ति की कारण बनेगी। यही मन को जब हम ठाकुर जी के चरण में लगाएंगे, ये मन मुक्ति की कारण बन जाएगी माँ। यही मन जब विषय में लगाओगे, यही दुख और बंधन का कारण बनेगा। इसलिए माँ ये मन तो ठाकुर जी के चरण में लगा दे। फिर मैया प्रश्न करती है, बोले बेटा तू तो बोल दिया ठाकुर जी के चरण में लाओ, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये तो मन बड़ा चंचल है, ये चंचल मन को फिर प्रभु की चरण में कैसे लगाएगी? बोले माँ इसके लिए और एक उपाय करना पड़ेगा। बोले क्या है? बोले संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। माँ तू मेरे भक्तों का संग करो, मेरी भक्तों का संग करो। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले बिनो सत संग विवेक न होए, बिनो सत संग विवेक न होए, बिनो सत संग विवेक न होए, बिनो सत साधु की संग में लगा दो। बोले बेटा तुम तो बोल दिया साधु संग करो, लेकिन उनका लक्षण भी तो कुछ होनी चाहिए ना। तो भगवान खुद अपना भक्तों का लक्षण ठाकुर खुद कहते हैं, बोले तितिक सब कारुणिक श्रोहिद सर्वदेहिना अजात सत्र शांता साधु भी साधु भूषण। बोले माँ संतों का जो पहला लक्षण है ना, सहन करना। देखो ये सहन करना ऐसे एक शक्ति है, सबको जरूरत है। इसलिए बंगला में कहावत है, जो सहे सो रहे, और जो
जो ना सहे वो ना सहे, समझ रही थी। संसार में हो, साधु जीवन में हो, कहीं भी हो, अगर तुम्हारी अंदर में सहन शक्ति नहीं हो ना, वो गृहस्थ कभी टिक नहीं सकती, वो संसार कभी टिक नहीं सकती है। सहज तो सब जगह में करना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध आ जाए, मचल जाए, वो घर गृहस्थ भी टिकेगी नहीं। साधु जीवन में भी अगर सहन नहीं हो, वहां पर भी जीवन टिक नहीं सकती है। इसलिए एक संत है जिनका नाम था तुकाराम, वो बाबा कभी उनके अंदर में क्रोध ही नहीं आएगा, कभी क्रोध नहीं आता है। एक समय कुछ व्यक्तियों ने मीटिंग की, बोले ये बाबा को कभी भी क्रोध नहीं आता है, इसको आज हम क्रोध दिला करके छोड़ेंगे। बोले क्या करेंगे, ये रोज आता है स्नान करने के लिए गंगा में, जब गंगा में स्नान करेगा आएगा ना, एक टोकरी कचड़ा रख करके सीधा सर पर डाल देंगे, एकदम सर पर डाल दिया। लेकिन वो संत कुछ भी नहीं बोले, दो बार जा करके गंगा में नहा लिया, फिर जो आए फिर कचरा डाल दिया। उन्होंने 100 बार उसको सर पर कचरा डाल दिया, 100 बार, लेकिन बाबा कुछ भी नहीं बोले, 100 बार गंगा स्नान करके आए। ये लोग तो देख कर गए, हे भगवान, इनके एक बोली भी मुंह से नहीं निकले, इनके चरण में गिर बड़े बड़े, बाबा आपका चरण में हमने अपराध कर दिया, आपका सर के ऊपर 100 बार हमने कचरा डाले तब भी कुछ नहीं बोले। देखो संत क्या कहते हैं, बोले तुम लोगों का जैसे मेरा कोई मित्र नहीं होगा। बोले कैसे, बोले रोज मैं गंगा में एक बार नहाना स्नान करता था, और तुम लोगों का वजह से मैंने कितना बार स्नान कर लिया, 100 बार मेरी स्नान हो गई। इसलिए इसकी जो सहन शक्ति है ना, ये हर जगह जरूरत है। इसलिए भगवान कहते माँ, संतों का पहला लक्षण है सहन शक्ति, है सहन शक्ति। दूसरा लक्षण क्या है, वो बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, बोले संत हृदय न बने ता समाना, संत हृदय न बने ता समाना, कहा कभी नहीं पाया काही न जाना, ऐसे संतों की 25 गुण है, लेकिन उनका अंदर में एक विशेष गुण है। बोले एक क्या गुण है, बोले मई अनन्य भावेना भक्ति कुर्बंती जय दृढ़ाम। देखो ध्यान देकर सुनो, ये ठाकुर खुद कह रहे हैं, इनकी जो एक विशेष गुण है वो मेरे एकांत रूप में एकनिष्ठ होकर के मेरी उपासना करती है, वो मेरी उपासना करती है। भगवान कहते हैं जो भक्ति है ना, एक पतिव्रता नारी के धर्म, पतिव्रता स्त्री किसको कहते हैं, जो एक पति की चरण में तन मन सब कुछ दे दे, तभी उसको पतिव्रता नारी कहते हैं। भगवान कहते हैं वस्य कुर्वन्ति माम भक्त्या सत पतिं सत पतिं यथा, जैसे एक पतिव्रता नारी वो पति की सेवा करते करते उसको वशीभूत कर देता है, उसको अंगुल पर उठाती बैठाती, बोले क्यों, चूंकि वो उसकी सेवा करती है। देखना पति कमाता है, सारे पैसा कमाता है, महीना काम करता है, लेकिन पैसा ला कर किसको देता है, पत्नी को। अगर पत्नी के पास में कुछ पैसा मांगे ना, पत्नी बोलेगा इतना पैसा क्या करोगे, क्यों इतना पैसा किस लिए मांग रहे, पैसा उसने कमाया, पैसा उसी का उसको दे दिया। अगर पत्नी के पास में 1000 कैफन देकर पैसा लेना पड़ेगा, बोले क्यों, चूंकि वो पत्नी पति की सेवा करती है, पति को पूर्ण विश्वास है ये पत्नी कभी पैसा को बर्बाद नहीं करेगी, ये सही रास्ता पर लगाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं जो पतिव्रता नारी की धर्म है भक्ति, इसलिए एकनिष्ठ भक्ति, बहुनिष्ठ नहीं। आज उसकी पूजा गली नहीं बना, दूसरे जगह पर चली गई वहां नहीं बना, अमुक जगह कभी भक्ति नहीं होगी, खिचड़ी होगी, इसको भक्ति नहीं। देखो मीरा क्या कहती है, बोले मेरे तो गिरिधर गोपाला
उसको बाद में क्या बोलते हैं बोलो, मेरे को गिरिधर गोपाल उसको बाद में, हाँ दूसरा न कोई। जब उद्धव जी ब्रज में आए, गोपियों की ध्यान की बात बताई, बोले गोपियां क्यों भगवान के लिए रो रहे हो, वो तो सर्वंतर जानी, वो तो घटघटवासी, वो कहां नहीं बताओ, वो सब जगह में है, उनका ध्यान करना, जहां ध्यान करोगे वहीं तो तुमको मिल जाएंगे। लेकिन गोपियां क्या कहती हैं, बोले उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध ईस। तो ध्यान बात कह रहे हो ना, ध्यान तो मन से होता है, लेकिन मन तो दस बीस नहीं ना, तो मन तो एक है, वो तो जब से श्याम सुंदर ब्रज छोड़कर गए ये मन उनको साथ में चला गया, तो ध्यान किसको हम करेंगे, मतलब क्या, ये मन एक है, दो मन नहीं, इसको एक व्यक्ति को ही दे सकते हो, सब तो नहीं, इसकी पूजा कर ली, उसको पूजा कर ली, उसको पूजा कर ली, भक्ति ये ऐसे वस्तु नहीं। हनुमान जी एक अनिष्ट किसकी भक्त है, प्रभु राम की भक्त है। आप जितने सब संतों का चरित्र का आप लोगे ना, देखोगे एक अनिष्ट होकर के सबके सब उन्होंने एक अनिष्ट होकर भक्ति की, बहुनिष्ठ में भक्ति नहीं होती है। देखो एक समय की स्टोरी सुना, एक मुसलमान हिंदू में लड़ाई हो गई, मुसलमान ने कहा मेरे अल्लाह बड़ा है, और हमारे हिंदू ने कहा मेरे भगवान बड़ा है। बोले किसका भगवान बड़ा है, एक काम करो एक पेड़ ऊपर में चढ़ो और अपना इष्ट का नाम लेकर कूदो, जो जिंदा हो जाएगा समझे उसका इष्ट बड़ा है। अल्लाह को मुसलमान पेड़ के ऊपर चढ़ा, वो तो एक अल्लाह को मानता है, एक मन से अपना अल्लाह को करा, बोले हे अल्लाह अगर तू सच्चा है ना तो मेरे को बचा देना, एक मन से पुकारा और कूदा तो उसको कुछ नहीं हुआ। अभी हिंदू चढ़ा, अभी तो एक लिस्ट है नहीं। बोले भैया थोड़ा सा गणेश जी को ध्यान करनी चाहिए, क्यों, गणेश जी विघ्न विनाशक। बोले हे गणेश बाबा तेरे नाम लेकर के मैं कूद रहा हूं, तो तब सारे विघ्न को विनाश करने वाले। जब फुकार इतने में गणेश आए, बोले भैया उसको मैया को थोड़ा क्यों नहीं पुकार ली। बोले हे माँ देवी तू रक्षा कर तेरे नाम ले रहा हूं। इतने में गणेश जी सोचा मैं तो आया रक्षा करने के लिए, मेरे मैया बुलाए वो गए। फिर उन्होंने माता जी को बुलाया तो माता आ गई। बोले भैया उसकी पिताजी को क्यों थोड़ी बुलाया। बोले हे भोले बाबा तेरे नाम, वो सारे देवा देवी ना एक एक नाम लेना शुरू कर दिया और कुत्ता हाथ पैर टूट गया। ये चीज समझो, जो भक्ति है वो एक अनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति में सिद्धि नहीं होगी। जैसे कोई सीए करता है, जो कि इंजीनियर करता है, कोई साइंस लेकर पढ़ता है, वो एक ही सब्जेक्ट को लेकर पढ़ता है तभी सक्सेसफुल होता है, यहाँ 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 पढ़े पूरा बीच में फेल हो गया। हाँ इसलिए एक अनिष्ठ बोलो कौन है, वो एक जो एक को भक्ति करने पर सबकी भक्ति हो जाएगी। भगवत में दो उदाहरण देकर समझाया अच्छी तरह से, ये चीज दिमाग में बैठा लो। आप लोग महाभारत देखोगे, जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था, इनमें कृष्ण विराट रूप दिखाया। बोले हे अर्जुन तू देख ले मैं कौन हूँ, जिसको तुम शंकर जी कहते हो देखो शंकर मेरे में, जिसको तुम माँ देवी कहते हो देवी को देखो मेरे में, जिसको तुम गणेश कहते हो देखो गणेश मेरे में, जिसको तुम हनुमान कहते हो देखो हनुमान मेरे में, जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वरुण कह रहे हो देखो अर्जुन 33 करोड़ देवता मेरे में। तब कृष्ण गीता में कहते हैं मत पर करम नान्यत किंचित स्थानंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके दुनिया में और कुछ है ही नहीं। उदाहरण दिया जैसे हम एक माला देखो, जैसे एक माला है, एक एक फूल से एक माला बनी, लेकिन उसमें मूल कौन है, अंदर में तो धागा है, वो धागा नहीं दिख रही है, हम क्या दिख रहे हैं, वो फूल ही हमें देख रहे हैं। कृष्ण कहे मई सर्वविदम प्रथम सूत्र मणि गणाई, व जैसे एक मणि की माला में एक अंदर में धागा है तभी वो माला टिकी हुई है, अगर धागा टूट जाए ना वो माला बिखर जाएगी। कृष्ण कहते हैं अर्जुन उसी तरह ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड ये मेरे अंदर में विद्यमान। इसलिए कृष्ण गीता में लास्ट में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण ब्रज, हे अर्जुन तू सब छोड़ करके तू मेरे शरण में तू आ जा, मेरे शरण में तू आ जा।
है, बोले जो इतना दिन से जो इतने देवा देव को पूजा कर रहा था वो बिगड़ नहीं जाएंगे, तो फिर अगर बिगड़ करके अगर कोई नुकसान कर दिया तो कृष्ण दूसरी लाइन में कहते हैं है? कहते माँ सोचो, कोई चिंता मत करो, क्योंकि जितने 33 करोड़ देवता है ना, मैंने उनको एक एक पोस्ट में दिया है, एक अग्नि देवता, एक वायु देवता, एक जल देवता, मैंने एक एक देवता को एक एक मैंने पोस्ट देख रखा हूँ। कहना जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सबको, जब भगवान की हरि की बातें बिहारी कृपा हो जाए ये सब के सब अपने आप हमारे घर में अपनी आप कृपा कर देते हैं। देखो सबको सम्मान दो, किसी को असम्मान नहीं करनी चाहिए, सब देव का सम्मान दो। क्यों ठाकुर नहीं उनको एक पोस्ट दिया, उदाहरण दिया, जैसे घर में एक लड़की शादी करके आती है, घर में शादी करके आई, घर में जेठ भी है, ननद भी है, सास भी है, ससुर है, लेकिन वो सबको सम्मान देती है, सबको सम्मान देती है, लेकिन हृदय में किसको बैठा कर रखती है बता, हृदय किसको देती है, हृदय किसको देती है, पति को देती है हृदय, और इसी को नहीं देती हृदय, केवल अपना पति को। अगर घर में कोई ठंडबन होगी फिर किसको लेकर वो अकेली हो जाती है, अपना पति को लेकर वो अकेली हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं एक अनिष्ठ होकर के मेरे तो गिरिधर गोपाला, दूसरा न कोई, शब्द समान लेकिन हृदय में बस केवल कन्या को हृदय में बैठा, ये भगवान स्वयं ये बात को कह रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ प्रभु जी, वो जो बामन देव को बना रहे हैं, बामन को कोई बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं भैया, तुम बना रहे हो भैया, बना रहे, ठीक है। अभी भगवान बामन देव आएंगे, फिर भगवान कृष्ण कहीं आएगा, आज ठाकुर के सारे भगवान आने वाले हैं। बस मैं बुलाऊंगा थोड़ी देर बाद में, बुलाऊंगा तो लेकर के आना, हरे कृष्ण। बस वृंदावन बिहारी लाली, तब उन्होंने मैया को अच्छी अच्छी ज्ञान की बात बताई, बोले माँ ये मन को ठाकुर के चरण में लगाओ, इससे ही परम शांति और परम सुख इसी से मिलेगा। बोले मैया जब जीव मरने का बाद उसको जीव को एक वैतरण नदी पार होना पड़ता है, अब देखना मरने का बाद एक गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, अब सुने हो गरुड़ पुराण, मरने का बाद कहते हैं कि वैतरणी नदी पार होना पड़ता है, अब देखना मरने का बाद 13 दिन बाद में हम शुद्ध होते हैं। बोले 13 दिन बाद में क्यों, बोले जो वैतरणी नदी पार करने के लिए उसको 13 दिन लग जाते हैं, वो जो नदी होती है खून पीक टाटी पेशाब का वो नदी होता है, और उसको कोड़े मार मार कर उसको पार करवाना पड़ता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कभी कभी बोलते हैं भैया उसका नाम पर गैया दान दे दो, उसका पूछ पकड़ करके जल्दी जल्दी ये नदी पार हो जाएगा हैं। बोले मैया इस सब नदी किसको पार करना पड़ता है, बोले जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको इस सब पार करना नहीं पड़ता है, वो तो सीधा ठाकुर जी को पास में जाते हैं। फिर जब जमपुरी में लेकर के जीव कर्म के अनुरूप फल भोग करता है, फिर उसको चंद्र लोक में भेज देते हैं, फिर चंद्र लोक से वो चंद्र का किरण दे करके एक फल को आश्रय ग्रहण करता है, और जिसकी भाग्य में जो फल लिखा हुआ होगा जीव केवल वही फल खाएगा, बोलना दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ होता है, वही फल को ही वो खाएगा, और वही फल ही अंदर में जा करके वो खून का रूप धारण करता है, वो खून से फिर रेतर रूप वीर्य रूप धारण करता है, फिर पति पत्निया मिलन से पत्नी के गर्भ में प्रवेश करते हुए वही जीव ही गर्भ में आश्रय लेता है, और आश्रय लेकर के फिर इसी जगत में उसको जन्म लेना पड़ता है। इसलिए भगवान ने बोले माँ जब गर्भ में 7 महीना हो जाए जीव को पूर्व पूर्व जन्म की बात याद आता है, फिर भगवान को पुकारता है, बोले प्रभु मैंने पूर्व जन्म में क्या इसे पाप कर्म कर लिया, ये टाटी पेशाब का थाली में आना पड़ा, मेरे को जल्दी जल्दी यहाँ से निकाल दो। भगवान कहते बताओ अभी क्या करोगे, बोले प्रभु मैं समझ गया हूँ संसार में कोई किसी का नहीं, एक बार केवल मेरे को जन्म दे दो, उठते बैठते सोते तेरा नाम जप करूंगा, तेरा भजन करके फिर ये संसार से मैं पार हो
जाऊंगा। बोले भूलोगे नहीं, बोले प्रभु मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठाकुर जी कहते अगर भूल जाओगे ना फिर मैं साधु संत रूप में आकर के तेरे को मैं याद दिलाऊंगा। तुमने गर्भ में बताया था ना भजन करने के लिए, कितना भजन कर रहे हो? बोले प्रभु केवल आप एक बार याद दिला दो फिर तो मैं भजन ही करते रहूंगा, तेरा नाम ही लेते रहूंगा। हैं इसलिए जब साधु लोग आकर के हम समझाए ना क्या समझो, साधु नहीं समझा रहे हैं, ये स्वयं ठाकुर जी बांके बिहारी, ये साधु रूप में बांके बिहारी हमें समझा रहे हैं। ये साधु स्वरूप नहीं, ये ठाकुर जी स्वयं हम समझाते हैं। बेटा तू गर्भ में कसम खा कर आया था भजन करोगे भक्ति करोगे, कितने नाम ले रहे हो, कितने समय टीवी देख रहे हो, कितना समय इधर उधर का समय को गवाते हो। भगवान कहते माँ जब साधु रूप में मैं आ करके समझाऊंगा तो समझ जाना और प्रभु की भजन कर लेना, फिर तेरी बिड़ा पार हो जाएगी। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर जोर से बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को इसका इको थोड़ा कम कर सकते हैं। परीक्षित महाराज को उन्होंने नरक का वर्णन की, अभी नरक की कथा सुन करके तो महाराज इतने डर गए, बोले प्रभु जीव को इतना कष्ट भोगना पड़ता? बोले हाँ। बोले इससे मुक्ति मिल सकती कि नहीं? बोले हाँ मिल जाएगी। बोले कैसे? बोले भगवान की भक्ति से, भगवान के नाम अगर कोई ग्रहण करे ना कि जन्म मृत्यु से चिरकाल के लिए मुक्ति मिल जाएगी। फिर उन्होंने की कथा सुनाई, उदाहरण दिया जैसे सूर्य उदय होने पर अब देखना ये अंधकार अपने आप दूर हो जाते हैं सूर्य उदय होने का साथ साथ, क्या उसी तरह जब कोई भगवान के नाम जप करे ये अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप खत्म हो जाती है। तब उन्होंने कथा सुनाए, बोले एक समय एक व्यक्ति था जिसका नाम थी अजामिल, ब्राह्मण घर में उसने जन्म लिया, पत्नी बड़ी सुंदरी कम उम्र की। एक दिन उसने उसके अंदर में सारे सद्गुण, सवेरे उठ करके पहले पिता माता की चरण छुड़ाए, गुरुजन की सेवा करता है, सभी का आदेश पालन करता है, बड़े जितेंद्रिय था। एक दिन उसने जंगल में यज्ञ कलिए के जो फल मूल लकड़ी लेने के लिए गया, उन्होंने देखा एक शूद्र और एक शूद्रानी शराब पी रखे और वस्त्र अवस्था में विहार कर रहे हैं। और उसने देखने लग गया, वो देखते ही रह गया। इतने में उसका हृदय में ये फटो खींच गई। जब उसके घर में आया पत्नी कम उम्र की सुंदरी, लेकिन देखो ये असत संगत इतने प्रभाव पड़ता है, ये असत संगत इतने गहरा प्रवेश करता है। ब्राह्मण घर में पत्नी है बड़ी सुंदरी, लेकिन एक बार वाली आंखों में उसने अश्लील चीज देख लिया, घर में आकर के अपना पत्नी को त्याग दी, वो जो शूद्राणी वेश्या थी उसको साथ में रहना शुरू कर दिया। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, देखो अजामिल जैसे व्यक्ति ब्राह्मण सद्गुण संपन्न अगर इसकी बुद्धि बिगड़ सकता है, अगर हमें उल्टा सीधा अगर फिल्म देखे दिन भर स्मार्टफोन लेके अश्लील अश्लील चीज देखे फिर हमारे दिल में क्या नहीं होगा? इसलिए जगत में इतने डाइवोर्स फाइवोर्स क्यों हो रही? पहले जो सिनेमा होती थी ना बड़े बूढ़ों को पूछो केवल रामायण महाभारत भगवत लीला और कोई गंदी चीजें होती नहीं। अभी अगर कोई धार्मिक चीज आएगा ना कोई जाएगा नहीं, जितने अश्लील चीजें आएगी वहीं पर तभी सबके सब जाएंगी। इसलिए इतना जगत में उल्टा पुल्टा सारे चीज हो रही है। उसने कहा उसका हृदय ही बदल गई, वो वेश्या शूद्राणी को साथ में रहने लगा, उसको हाथ में अमित कुमेद खाना शुरू कर दी, उससे 10 संतान हुए, लेकिन भाग्य से सबसे जो छोटा बेटा था ना उसका नाम नारायण रख लिया। अभी सबसे छोटा बेटा सबसे ज्यादा होता है, अभी वो बात में बेटा नारायण मेरे लिए पानी ले आ, बेटा नारायण मेरे गोद में आ जा, नारायण तू कहाँ हो? तेरा छोटे बच्चा को सब दिन भर बुलाते कि नहीं? उसने अभी दिन भर नारायण 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 करने लग गया।
अभी उसकी मृत्यु की समय आई। मृत्यु का समय में हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य से, अभी तीन जमदूत लेने के लिए आए। अभी उन्होंने जमदूत को देख करके इतने भयंकर रूप था उनकी, गला में काल फांसी पर लगाया। जब उसको लेने के लिए खींच रहे थे, इतने में अपना बेटे को उसने देखा दूर में खेलते हुए। उन्होंने जोर से बुलाया, बेटा नारायण नारायण। ये चार कह रहे हैं। जब उन्हें नारायण बुलाया ना, इतने में दूसरे तरफ में चार विष्णु दूत प्रकट हो गए। बोले मां भयो डरने का कोई बात नहीं, हम रक्षा करने वाले। वहीं पर प्रकट हो गए। इतने में जमदूत और विष्णु दूत में भीड़, दोनों में लड़ाई हुई। जमदूत को विष्णु दूत प्रश्न करते हैं, भैया तुम है कहां से आए हो? बोले हम धर्म राजा का दूत है। बोले यहां पर क्यों आए? बोले इसको लेने के लिए। बोले इतना अधर्म, अगर कोई बच्चा पिता माँ की गोद में सर रखकर सो रहा है, अगर मैया अगर सर काट दे, कितना अधर्म है। बोले आपको पता नहीं ये कौन है? ये पहले ब्राह्मण घर में जन्म लिया, पत्नी सदाचार संपन्न, पत्नी को त्याग दी, बेस्या को साथ में रहा, उसकी हाथों में अमेध्य कुमेध्य भोजन की, 10 बच्चों को पालन करने के लिए चोरी गुंडागिर्दी डाकू सारे पाप किया, सीधा ही नरक जाएगा। विष्णु दूत ने कहा, भैया पुण्य भी तो कुछ किया। बोले क्या पुण्य किया? बोले जो अंतिम समय में नारायण का नाम लिया। बोले वाह, जिंदगी भर पाप करो और मरने से पहले राम का नाम ले लो, हो गया। देखो प्रभु का नाम में कितनी शक्ति। ये विष्णु दूत कहते, बोले मूर्खो तुम्हें क्या पता ठाकुर जी का नाम में कितनी शक्ति। वो उदाहरण देते हैं जैसे एक भूस का ढेर हो, नहीं तो रुई का ढेर हो, वहां पर केवल एक आग की चिंगारी पड़ जाए क्या होगा, वो चला कर उसको राख कर देता है। भगवान के नाम में इतने शक्ति है, कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम है। उसने भगवान के नाम को ग्रहण की। फिर जमदूत, फिर उन्होंने उदाहरण देते हैं, बोले भैया उसने भगवान को कब बुलाया? वो तो भगवान को नहीं बुलाया, किसको बुलाया था? बोले बेटे को बुलाया था। भगवान को तो बुलाया, वो बेटे को बुलाया। तब विष्णु दूत कहते हैं, भगवान का जो नाम है ना, वो चार ही तरह से कल्याण करते हैं। बोले देखो बेटा, जब उसने बेटा का नाम नारायण रख लिया था, तब पाप से मुक्ति हो गई थी। लेकिन दिन भर है उसको बोलता था, नारायण इधर आ जा, नारायण पानी ले आ, नारायण मेरे गोद में आ, जैसे हम माला जप करते हैं ना, ये हो गया माला जप। लेकिन अंतिम समय में जो ठाकुर जी का नाम लिया है ना, ये विशेष कृपा है। भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करता है। पहला नंबर है, बोले संकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलने नवे बार। पहला उदाहरण दिया संकेत को द्वारा प्रभु का नाम। संकेत मतलब जैसे बेटा का नाम राम ने तो कृष्ण रख दिया। बोले बेटा राम इधर आ जा, बेटा कन्या तो कहाँ हो, उसको संकेत कहते हैं। ऐसे भी ठाकुर जी का नाम कल्याण करता है। इसलिए आप लोग देखना, जितने बड़े बूढ़ों का नाम पूछ लो, जितने माताओं का, देखो सब ठाकुर जी का नाम होगा। कृष्णा गोविंद दामोदर हैं, जितने माता पिता सीता सावित्री लक्ष्मी, पहले सब ऐसे नाम रखते थे। लेकिन अभी बच्चों का नाम पूछो, टिंकी टुल्लू बुल्लू हैं, और पता नहीं सब विदेश में जो कुत्ते हैं ना, सब कुत्तों का नाम बच्चों का नाम करवा दें। कहते यार ये पहले का नाम था, ये पहले का नाम था भगवान का नाम, अभी तो बच्चों को हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अमेरिका भेजेंगे पैसा कमाएगा हैं, इसलिए अभी तो बच्चों को हम विदेशी शिक्षा में शिक्षित कर रहे हैं। ये सब पहला नाम कृष्ण गोविंद था, हाँ इसलिए भगवान का नाम कैसे रखेंगे, कुत्तों का नाम रखेंगे बच्चों को। इसलिए आप लोग भी जो विदेशी जो संस्कृत है ना, आप उसमें बहना नहीं है, विदेशी संस्कृत में नहीं बहना है। आप लोग वृंदावन जाना, वो मंदिर में देखना, जो इस्कॉन मंदिर में छोटे छोटे बच्चों को देखना, अंग्रेजी बच्चों को, आप जाकर नाम पूछो, कृष्णा गोविंद दामोदर ऋषिकेश हैं राम लक्ष्मण, सब भगवान का नाम देखोगे। वो कहाँ बच्चों का नाम ठाकुर का नाम धरा रहे और वहां सब कुत्तों का नाम धरवा रहे हैं। इसलिए ऐसे नहीं करना। इसलिए ये कथा में यही सिखा देते हैं, बच्चों का नाम ठाकुर जी का नाम में धराओ। कम से कम जितना बार
बच्चे को बुलाओगे मुंह से ठाकुर का नाम तो निकलेगा, वो घर में भगवान का नाम तो गूंजेगा, बच्चा भी उतना बार ठाकुर का नाम तो सुनेगा कम से कम, ठीक है ना। बोले सांकेतम, दूसरा उदाहरण दिया, बोले पारिहास्यम, मतलब हंसी दिल की करते करते अगर भगवान के नाम निकल गई, बोले उसी घड़ी तुम्हारी कल्याण हो जाएगी। तब हमारे गुरु जी एक सुंदर कथा सुनाते थे, परिहास करते करते कैसे कल्याण होता है। बल एक समय में क्या हुआ, घर में दो भाई रहते थे, एक भाई तो खूब भक्ति करे और एक भाई पूरा नास्ती की भक्ति नहीं करता है। एक दिन जो भाई भजन करता था, एक दिन उसने अपना गुरु जी को अपना घर में बुलाया, बोले गुरु जी मेरे छोटा भाई भजन नहीं करता है, आप मेरे घर में आओ और थोड़ा हरि कीर्तन करवाओ और मेरे भैया को थोड़ा समझाना, मेरी भैया भी थोड़ा भजन करे तो हम दोनों आनंद पूर्वक रहेंगे। अभी छोटा भैया ने देखा ये तो अपना घर में अपना गुरु जी को बुला रहे हैं, ये मेरे को समझाएगा भजन करो, मैं सत्संग में बैठूंगा तभी तो समझाएगा। जब देखा गुरु जी घर में आए ना, उसने किया थी वो एक बाथरूम का अंदर में चला गया, वो अंदर से कुंडी बंद करके बैठ गया। बोले मेरे को बैठना नहीं सत्संग में, तेरे गुरु जी मेरे को क्या समझाएंगे। गुरु जी ने देखा भैया जिस काम के लिए मैं आया हूँ वही कथा में नहीं बैठा, उन्होंने कीर्तन की सत्संग की, जब जा रहे थे बोले किसी तरह से थोड़ा कल्याण तो करे, दरवाजा खटखटाए, बोले बेटा थोड़ा दरवाजा खोलो दो, बोले नहीं खोलता हूँ, बोले बेटा थोड़ी खोल तो दो, बोले नहीं, बोले बेटा एक बार तो खोल दो। बड़े कष्ट से दरवाजा खुलवाए और गुरु जी उसका हाथ पकड़ लिए, बोले बेटा एक बार कृष्ण बोलो, बेटा एक बार कृष्ण बोल दे। उसने बोला मैं कृष्ण नहीं बोलता हूं, मैं कृष्ण, बोले तो कृष्ण बोल ही दिया बेटा, तेरा कल्याण हो गया है, लेकिन एक काम करियो, ये जो कृष्ण नाम बोला ना कभी उसको बेचना नहीं, इससे तेरा उधार होगी। बोले गुरु जी ठीक है। अभी कुछ दिन बाद में मृत्यु हुई, अभी जमदूत पकड़ करके ले गए, बोले इसका कापी खोलो, कितने पाप और कितने पुण्य किया। बोले महाराज इसने तो कोई भी पुण्य नहीं किया, ये तो पाप ही पाप किया। बोले देखो ना, बोले हाँ इनके घर में आए थे, इनके गुरु जी इनके घर में आए थे और उन्होंने इसको एक बार बोले तो कृष्ण बोल, और उसने एक बार कृष्ण उसने बोला, और गुरु जी ने बोले एक कृष्ण नाम तुमने जो लिया है ना इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी, इससे गुरु जी ने ये बात उसको केवल एक बार बोले। उसको पूछे ये बताओ पहले तो पुण्य लोगे ना पहले पाप लोगे। बोले गुरु जी की बात याद आया, मेरे को गुरु जी ने बोला था एक कृष्ण नाम से मुक्ति मिलेगी, उसने बोला मेरे को एक कृष्ण नाम का फल दे दो। जब महाराज वेद वेदांत पुराण को खोले, एक कृष्ण नाम का क्या फल, उनने जहां जहां वेद पुराण को खोले हर जगह में उनको एक ही बात मिला, क्या मिला, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। सारे जगह में देखा भगवान का जो नाम है, भगवान का नाम ये भगवान से बढ़ करके भी भगवान का नाम है। अभी तो जम महाराज दिमागी काम नहीं किया, अब भगवान से बढ़कर के अगर भगवान का नाम है फिर भगवान का विनिमय में थोड़ी कुछ दे सकते हो, उनका दिमागी काम नहीं किया। बोले भैया क्या करनी चाहिए, बोले चलो पितामह ब्रह्मा जी को पूछेंगे वही बताएंगे। बोले चलो ब्रह्मा जी को पास, उसने कहा मैं चल करके नहीं जाऊंगा, मेरे लिए पालकी मंगाओ बैठा करके ले चलो। अभी तो जब महाराज फंस गए दोनों तरफ में, पाली में दोनों तरफ में दोनों, चित्रगुप्त जब महाराज गुप्त
अभी एक पालकी मंगवाई, एक तरफ में जम और दूसरे तरफ में चित्रगुप्त। अभी उनको पालकी में बैठा करके ब्रह्मा लोग ले चले। ब्रह्मा दूर से देखा ये जम और चित्रगुप्त, ये किसको पालकी में बैठा करके ला रहे हैं, ये तो बड़े महात्मा कोई होगा। इतने में ब्रह्मा और ब्रह्मानी आरती की थाला लेकर के उनको स्वागत करने के लिए खड़े हुए। जब वहां पर पहुंचे, बोले भैया ये कौन सा महात्मा है जिसको आप स्वयं पालकी में लाए हो? बोले महात्मा नहीं, ये पापात्मा। बोले पालकी में क्यों फिर लाए हो? बोले हमें ये फंसा दिया बीच में। इनको गुरु जी घर में आए थे एक बार, कृष्ण नाम सुन करके कृष्ण नाम की, वो कहता है एक कृष्ण नाम का फल दो। हमने सारे वेद पुराण को ढूंढ लिया, हर जगह में एक ही बात देखा, हरि से बड़ा हरि का नाम है। हम तो विचार नहीं कर पाए, आप भी बताओ। इतने में ब्रह्मा जी सारे वेद पुराण को ढूंढे, एक कृष्ण नाम का फल किया, उन्होंने देखा भागवत में, बोले नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शोधनित मुक्त अभिर्नत्वात नाम नाम। ये भागवत ने बताया भगवान का नाम ये चिंतामणि, जो कुछ मांगो भागवत भगवान का नाम से वो ही दे देता है। और भगवान का नाम वो रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अभी ब्रह्मा जी भी उसका सही विचार नहीं दे पाए, बोले चलो शंकर जी के पास में चलते हैं। बोले चल करके नहीं, कंधे पर ले जाना पड़ेगा। ब्रह्मा भी कंधे लगाए। शंकर पार्वती दूर से देखा ब्रह्मा चित्रगुप्त और सब जम महाराज कोई बहुत बड़े के साधु को लेकर के आ रहे हैं। शंकर पार्वती भी आरती का थाला लेकर खड़े हुए स्वागत करने के लिए। बोले भैया ये महात्मा कौन? बोले महात्मा नहीं, ये पापात्मा। बोले फिर कंधे में क्यों लाए हो? बोले उसने अपना गुरु जी के मुंह से एक बार कृष्ण नाम सुनकर कृष्ण नाम की, वो कहता है फल दो। अब गुरु जी बोले इससे मुक्ति मिलेगी, हम तो सारे शास्त्र को ढूंढ लिया, एक ही बात मिला हरि से बड़ा हरि का नाम, आप भी बताओ। शंकर भी सारे वेद पुराण को ढूंढे, उनको भी एक श्लोक मिला, बोले मधुरम मधुरम मेतत मंगलांग मंगला नाम सकल निगम गल्ही सत्फल चीत स्वरूपम सकृदपि परिहितम श्रद्धया हेलयबा भृगुवर नर मात्र तारयति कृष्ण नाम। उनको भी यही मिला, जो भगवान का नाम है ये मीठे से भी मीठा है और मधुर से भी मधुर है। और सारे शास्त्र का अगर मंथन करो, अगर सार निकलेगा तो ठाकुर का नाम ही सार। अगर किसी तरह से मुंह से प्रभु का नाम निकल गया तो प्राणी मात्र को ही मुक्ति दे देता है। अभी शंकर जी का बुद्धि भी काम नहीं किया, बोले जिनका नाम उनको पास में ले चलो,
चलो इसको गोलोक वृंदावन ले चलते हैं। बोले चल कर के नहीं, मेरे लिए पालकी में ले जाना पड़ेगा। शंकर भी कंधे ले जाए, शंकर जी ब्रह्मा चित्रगुप्त स्वयं जब जब ले करके वैकुंठ में पहुंचे, भगवान देखा भैया ये कौन इतने पुण्यात्मा जो लोग इनको कंधे पर यहाँ पर ला रहे। बोले भैया ये कौन है? बोले महाराज प्रभु जी ये पुण्यात्मा नहीं ये पापात्मा है। एक बार आपका कोई साधु का मुंह से कृष्ण नाम किया तो बोले इसी से ही मुक्ति मिलेगी। कहता है इनका फल दो, हम तो सारे शास्त्र ढूंढ लिया, हमको एक ही चीज मिला हरि से बड़ा हरि का नाम, आप ही बताओ इसका क्या फल है। आपका नाम की महिमा आप ही बता सकते, उसको लाभ लगा। जो उसको ले आए ठाकुर जी उसको गोद में बैठा दिया, बोले प्रभु बताओ ना फल क्या। बोले इसका ये फल है, एक कृष्ण नाम अगर किसी साधु से शुद्ध साधु से सुन करके करोगे तो जिसको स्वयं चित्रगुप्त, जिसको स्वयं जम, जिसको स्वयं ब्रह्मा, जिसको स्वयं शंकर भी कंधे पर लेकर उनको वैकुंठ ले आना पड़ता है, उसको वैकुंठ ले आना पड़ता है, इतना महिमा। इसलिए यहाँ विष्णुदूत कहते हैं तुमको ठाकुर जी के नाम की महिमा क्या पता तुम्हें। इसलिए उन्होंने जो जमदूत थे ना उनको मार मार कर भगा दिया उनको और उनकी रक्षा की। फिर उसने देखा वो मरने जा रहा था, मरा ही नहीं। उसने भगवत नाम की महिमा को देखा, जामी मैंने अपना बेटा का नाम नारायण रखा था और किसी तरह से भूल से बेटा का नाम निकले गया तो देखो ठाकुर का नाम में इतनी शक्ति। फिर उसने हरिद्वार में गया, फिर भजन की। जब भजन समाप्त हुई फिर वैकुंठ से वही फिर चार विष्णुदूत आए उतर करके, बोले रात में बैठो वैकुंठ चलो। उसने एक प्रश्न किया, बोले एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले बताओ, बोले पहला बार जब तुम लोग आए थे मैंने तुमको तुम्हारा चरण छूने के लिए गया, तुम मेरे को चरण छूने नहीं दिया, मेरे बात भी नहीं किया, लेकिन अभी उत्तर करके आए हो, बात करते हो, बोले बैठो और चलो, ऐसे क्यों? बोले पहला बार तुमने जब नाम लिया था वो संकेत पूर्वक नाम लिया, केवल तुम्हारे पाप ही नष्ट हुआ था लेकिन वैकुंठ जाने की तुम्हारी अवस्था नहीं थी। अभी तुमने भगवान की भजन किया, भजन करते करते तुम्हारे हृदय में प्रभु का प्रति प्रेम प्रकट हुआ। हम सबके साथ में बात नहीं करते हैं, केवल भक्तों से बात करते हैं। अभी तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट हुआ है इसलिए हम तुमको लेने के लिए यहाँ पर आए। रथ वैकुंठ में बैठो, बैठो और वहां पर चलो। इतने में जमदूत गए विष्णुदूत जम महाराज के पास में, जितने उनको पास में अस्त्र शस्त्र था ना उनको चरण में सब फेंक दिया। बोले आज से आपका नौकरी हम नहीं करेंगे। जब महाराज बोले भैया क्या बात है? बोले बात क्या, अभी तक तो हमको पता था जगत का मालिक आप ही हो, हमने देखा आप तो कोई भी जगत में कोई मानने वाले नहीं, कोई आपका बात नहीं सुनते। बोले भैया बात तो क्या बताओ। बोले एक पापी था जिसका नाम था अजामी, ऐसे कोई पाप नहीं उसने नहीं किया था और उसको लेने के लिए गए थे तो पता नहीं ये चार हाथों वाले कहां से आए, बड़े सुंदर देखने में थे और इतने हमें बेइज्जत की, वहां से तो मार मार कर भगा दिया हमको, हम तो प्राण धारण नहीं करेंगे, आप चरणों के नीचे हम प्राण त्याग करते हैं, नहीं तो उनको ला करके हमारे सामने दंड देना पड़ेगा। जब महाराज बोले ये बताओ वो जो पापी था लेने के लिए गया था वो मरते समय कुछ बोला था ना क्या? बोला हाँ एक बार क्या नारायण बोला था, एक बार नारायण शब्द सुनते ही ना जब महाराज तो बेहोश हो गए। जब उनको होश आया बोले अरे मेरे प्रभु का नाम लिया था। जब तो बोले आपका भी कोई प्रभु होते ही, हमको तो यही पता था जगत का हरता करता विधाता आप ही हो। बोले मूर्ख हो तुमको क्या पता है, मैं तो सेवक हूँ, मेरे प्रभु तो नारायण है, उन्होंने अपना नौकरी मुझे दिया है, तुम्हारी अहोभाग्य है, जिनका दर्शन हुआ ना वो भगवान की भक्त लोग थे, तुम्हारी बड़े सौभाग्य जो कि भक्तों का तुमने दर्शन की है। बोले देखो जो भगवान की भजन करते हैं ना उनको मेरे पास में मत लाना। बोले हमको कैसे पता चलेगा कौन भजन करता कि नहीं करता, कुछ बता दो, कोई चार्ट बना करके दे दो, चार्ट बना करके दे दो किसको लाना और किसको नहीं लाना। हाँ देखो ये जब महाराज स्वयं चार्ट बना करके, बोले कौन है? पहले जो मोहिनी बन करके आए थे ना तुमको अमृत से वंचना कर दिया, वो मोहिनी अभी मोहन बन करके आया। देखो ये देखने में बौना लगता है,
ये तीन पग जो जमीन में आगेगा ना, ये त्रिभुवन राज्य ले जाएगा, फिर दो पग में तो सारा दुनिया ले जाएगा। अभी तीसरे पग रखने के लिए एक तो भगवान फिर भिक्षा मांगने के लिए आए, इच्छा करने पर स्वयं सब कुछ ले सकते हैं। मेरे जैसे सौभाग्य कोई होगा जो भगवान को भी दान देने वाले, बोले मैं तो जरूर दान दूंगा, बोले मेरे आदेश पालन नहीं करोगे, बोले नहीं, बोले तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, तो स्त्री भ्रष्ट हो जाओगे, बोले जो कुछ हो लेकिन भगवान को मैं दान दूंगा। देखो यहाँ पर एक शिक्षा दिया है ना, गुरु जी का काम क्या, बोले गुरु जी का काम है अखंड मंडलाकारम व्याप्त चेन चराचरम तत्पद दर्शितम जैन तस्मय श्री ब्रह्म। भगवान जो कण कण में व्याप्त है उनकी चरण कमल को जो दर्शन करा दी, ये गुरु जी का काम। लेकिन गुरु जी क्या कह रहे हैं, बोले भगवान को दान मत दो। बोले ये कैसे गुरु जो कह रहे हैं भगवान को भी दान मत दो। हाँ, अगर गुरु जी अगर हमें ये उपदेश देते हैं गलत रास्ता पर चलने के लिए, गुरु जी को त्याग नहीं देनी चाहिए, लेकिन बलि महाराज गुरु को त्याग दिया। बोले क्यों, जो भगवान की भक्ति में भगवान को दान में उन्होंने मना की, इसलिए उन्होंने गुरु जी को उन्होंने त्याग दिया है। फिर उन्होंने जब संकल्प करने के लिए गए, जो गंगा सागर होता है ना उसमें फिर कीड़े बनकर बैठ गए। उन्होंने एक कूस को लेकर के सोचा कोई काई जम गई है, छह भी क्या थे, एक आँख ही चली गई, एक आँख ही चली गई, फिर वहां से भगी। हाँ, यहाँ शिक्षा देते हैं, देखो कोई धर्म कर्म है ना, कहीं धर्म का काम में टांग नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर हमसे कुछ नहीं बन पा रहा है, अगर हमसे कोई बन ही नहीं पा रहे हैं, कहते ना अगर इसका अच्छा नहीं कर सकते हो, कभी किसी की बुरा नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान की भक्ति सेवा में कहीं टांग कहीं नहीं अड़ानी चाहिए। फिर तो क्या होगा, शुक्राचार्य का जैसे आग गई ना, ऐसे आग ही हमारे चली जाएगी। हैं, अभी इसने संकल्प किया तो भगवान एक पद में भूर भुव मोह जन तप सत्य लोग को ले लिया, दूसरे चरण में अतल भीतल तलातल पाताल लोग, अभी तीसरे पद रखने के लिए कोई जगह नहीं। उन्होंने गरुड़ को बुला करके बांध दिए। इतने में उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी अच्छी थी, पत्नी बड़ी बुद्धिमती, बड़ी बुद्धिमान भक्तिमती थी। पत्नी ने कहा तुम भगवान को क्या दिया, दुनिया प्रभु का, और दुनिया प्रभु ने ले लिया, जब तक तो खुद वो खुद नहीं दोगे देना थोड़ी होता है, बोलो ना अपना सर पर रखे। बलि महाराज बोले वाह, पत्नी ऐसे होनी चाहिए, स्त्री का नाम है पत्नी। पत्नी मतलब क्या, मतलब पति को ती मतलब होता है जो कभी भी पति को गिरने नहीं दे, हर समय जो पति को उठा करके रखे, ऐसे नहीं सुख का समय में साथ दे और विपत्ति आए तो घर से भाग जाए, नहीं, इसको हर समय पति को धर्म में जो मदद करते रहे। बोले तो सचमुच से पत्नी में तो सोच में पड़ गया था, अभी क्या करूं, अभी मैं क्या नहीं करूं। बोले प्रभु ये बताओ दान बढ़ाना, दानी बढ़ा, बोले दानी बढ़ा, बोले दान कर लिए, दानी स्वयं बाकी, मेरे सर के ऊपर प्यार रखो। ठाकुर जी उनके सर के ऊपर में प्यार रखी, सारे देवता लोग देखकर हैरान हुए। बोले श्री भक्त वत्साल भगवान की, बोले श्री बलि महाराज की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ देखो अभी भगवान आपके पास में भिक्षा लेने जाएंगे, ठाकुर जी को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है। सुदामा जी से दो मुठी चिड़वा दिया ना, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिए। ठाकुर जी स्वयं जो जिंदगी भर हमें दिए हैं, ठाकुर जी स्वयं भिक्षा मांगने के लिए हमारे पास में आएंगे। थोड़ा थोड़ा ठाकुर को जो बनता है, थोड़ा थोड़ा ठाकुर को दान देना, ले उसको दे। सबसे भिक्षा लगेगा वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, प्रबल बदले रे धोली, खड़ा
भगत भरि तेरे झोली भगत भरि तेरे झोली मेरे द्वार पर भगवान भगत भर दे भगत भरि तेरे झोली जगत है सारा बात में आया तेरे घर जगत का पालन हर रे जगत का पालन मैं आज तेरा मेहमान कर रे मुझसे जरा पहचान भगत भर दे भगत भर दे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे भगत भर दे आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना मान रे तेरा मेरा मन में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे जन्म जन्म का तेरा तू छोड़ सकल नहीं मान अमर कर तेरे दिल अपना भगत भर दे भगत भर दे मेरे झोली मेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे भगत भर दे मेरे झोली तेरा होगा तेरे मुझ तेरे भगत भर दे भगत भर दे मेरे झोली गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.